हेलो हेलो, हरे कृष्णा क्लास 11। कैसे हैं आप सभी? आपका फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल मैथ बाय मिस्टर भट्ट में। चैप्टर नंबर 10 चल रहा था, 10.1 हो चुका है, 10.2 हो चुका है। आज हम करने वाले हैं 10.3 का इंट्रोडक्शन। तो पहले इंट्रोडक्शन रहेगा, उसके बाद एक्सरसाइज रहेगी। अगर आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से आता है, एक्सरसाइज में जाना है, तो आप स्किप कर सकते हो, वरना सबसे इंपॉर्टेंट जो है अगर कुछ होता है तो वह इंट्रोडक्शन पूरा। पर क्या चीज, कौन सा फॉर्मूला कैसे आया, सारी बातें बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कुछ भी स्किप नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि पेपर में देखो एनसीईआरटी से रिलेटेड आया जो आपने कर रखा है तो इट इज इजी, लेकिन कोई क्वेश्चन अगर बाहर से आ जाए तो कब कर पाओगे, जब आपको पता होगा कॉन्सेप्ट। इसलिए जो है पहले इंट्रोडक्शन रहने वाला है। हमने 10.1 कर लिया, 10.2 कर लिया। 10.1 पे हमने जो सारा ज्ञान था, बेसिकली जिनको नहीं पता बता दूं मैं, वहां पर स्लोप सीखा था कि स्लोप कैसे निकाला जाता है। हमारे पास क्या था स्लोप, अगर केवल इंक्लाइनेशन दे रखा हो, जो भी कोई एंगल हो, कोई एक लाइन हो, उसका एक्स एक्सिस का जो भी एंगल थीटा, उसको हमने इंक्लाइनेशन बोला, तो टेन थीटा जो स्लोप होता है, ठीक है? अगर दो पॉइंट हमारे पास हो, पास कर रहा कोई लाइन, उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हमने सीखा। मतलब बेसिकली पहले एक्सरसाइज होती है वो स्लोप के ऊपर थी, ठीक है? फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2 में हमने सीखा कि कैसे कैसे हम लोग जो है इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है? कैसे कैसे हम लोग लाइन की इक्वेशन को लिख सकते हैं। इसलिए अगर बोलूँ तो सबसे अलग अलग प्रकार के हमने इक्वेशन देखा। सबसे पहले हमने इक्वेशन देखा कि क्या कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, कि अगर एक पॉइंट से पास कर रहा हो और स्लोप दे रखा हो तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं। टू पॉइंट फॉर्म सीखा। फिर हमने अगर दो पॉइंट से कोई लाइन पास कर रहा है उसकी इक्वेशन कैसे लिखते हैं। फिर हमने सीखा इंटरसेप्ट फॉर्म सीखा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सीखा, है ना? फिर सबसे इंपॉर्टेंट नॉर्मल फॉर्म सीखा। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ा था। अगर आपको नहीं पता है ना और आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं पहली वीडियो देखना, क्योंकि सबका इस्तेमाल 10.3 में भी होने वाला है। तो आज हम क्या करने वाले, फिर आज हम क्या करने वाले, आज हम करेंगे उल्टा काम। अभी तक हम सीधा सीधा करते आए थे, स्लोप पता था, पासिंग पॉइंट पता था, हम इक्वेशन निकाल रहे थे, है ना? अलग अलग प्रकार के इक्वेशन निकाल रहे थे। आज हमारे पास इक्वेशन है, वापस जाना उसी रास्तों में। इक्वेशन दे रखे, बोलेगा बताओ उसमें स्लोप क्या था। इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, इस इक्वेशन को आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो ये सारी चीजें हम आज करने वाले हैं ना, उल्टा। पहले लोग कहते हैं विनर में बनो, विनर में बोलो, विनर बनो, और जितना काम का उतना ही बोला करो, शांत हो जाओ। और जब शांत हो जाओ, क्या यार तुम कुछ तो कुछ बोलते ही नहीं। तो वही वाली बात है, पहले इक्वेशन बनवा ली, अब कहते हैं इक्वेशन तो बन के ठीक है ठीक है ठीक है, वापस आने का रास्ता होता, वापस आने का रास्ता। तो हम आज जो है वापस आने का रास्ता सीखने वाले हैं। तो आप क्या तैयार हो? अगर जो बच्चे नए हैं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, सेशन को लाइक जरूर कर देना, ठीक है? और नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी इक्वेशन होती है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में, कैसी होती है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। हम ऐसे लिखते हैं भाई ए एक्स, मैं एक एग्जाम्पल लेके चलूंगा, ए एक्स प्लस में बी वाई और प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? ए क्या होता है कॉफिशियंट ऑफ एक्स होता है, बी क्या होता है कॉफिशियंट ऑफ वाई, और सी कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है? कोई भी हमारे पास इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं उसका हमेशा ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है ना, क्या आता है स्ट्रेट लाइन निकल के आता है। तो हम लोग इसी की बात करने वाले हैं ना, स्ट्रेट लाइन निकल के आता है, ठीक है? स्ट्रेट लाइन निकल के आता है, ठीक है? आप ध्यान सुनो, सबसे पहला हमारे पास क्या होगा, सबसे पहला क्या होगा, अगर हमें ये स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। पहला किसमें करेंगे हम लोग, लिखते चलो यहां पर स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे हम लोग पहले कन्वर्ट करना सीखेंगे, ठीक है? इस तरीके से। तो कैसे किया जाएगा, क्या होता है, आपको सारे नॉलेज होने चाहिए। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं यहां पर, थोड़ा सा हल्का फुल्का, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऐसा होता था। मान लो हमारे पास क्या है, ये आपके पास जो है वाई एक्सिस है और ये आपके पास क्या है, आपके पास ये एक्स एक्सिस, ठीक है? तो कोई भी अगर लाइन अपने पास जो है वो कट कर रहा है, कोई भी लाइन इस तरीके से जो है वो कट कर रहा है, तो हम क्या बोलते थे, है ना, तो हम क्या बोलते थे, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसको हम लोग जीरो कॉमा सी बोलते थे, ठीक है? याद आ रहा है? और सी क्या होता था, सी आपका वाई इंटरसेप्ट होता है, वाई इंटरसेप्ट होता है, ठीक है? वाई इंटरसेप्ट हमारे पास क्या होता है, स्लोप, ये वाई इंटरसेप्ट जो है आपका ये सी पॉइंट वाई इंटरसेप्ट कहलाता है, ठीक है? और हमारे पास ये जो भी एंगल थीटा होगा, है ना, वो टेन थीटा स्लोप, एम जो है टेन थीटा उसका स्लोप होता था। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसकी क्वेश्चन क्या होती थी, होती थी वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में सी, एम एक्स प्लस में सी, इसमें हमें कन्वर्ट करना होगा इक्वेशन को। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो ये आपका होता था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं, आइए देखते हैं कैसे करना होता है, ठीक है? तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स, ठीक है, प्लस में बी वाई और प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है? अभी एग्जाम्पल बताऊंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अभी समझते चलो। तो हमने क्या करना है, इसमें कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो वाई को अकेले छोड़ना, उसका कोएफिशिएंट भी वन होना चाहिए, ठीक है? तो पहले बी वाई कितना आ गया, बी वाई आ जाएगा आपके पास माइनस का ए एक्स, ठीक है, और माइनस का सी निकल के आ गया। वाई को अकेला छोड़ना कितना आ गया, माइनस का ए अपॉन पे बी इंटू एक्स और माइनस में सी अपॉन बी।
ये हमारे पास इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा, ये है ना, ये आपको क्या हो जाएगा, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म निकल के आएगा। अब मैं आपसे पूछूं, इसे क्वेश्चन में बोलेगा फिर बताओ उसमें एम कितना है, एम कितना है, ये आपका एम, कंपेयर करो एम क्या होता है, जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है, तो हमारे पास एम कितना निकल के आएगा, एम जो है हमारे पास आ जाएगा माइनस का ए अपॉन बी निकल के आ जाएगा, ठीक है। और मैं पूछूं बता वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, सी क्या होगा, तो माइनस का सी अपॉन बी, तो वाई इंटरसेप्ट सी कितना हो गया, वो हो गया माइनस का कैपिटल सी अपॉन बी निकल के आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी इक्वेशन होगी, नॉर्मल इक्वेशन रहेगी, उस इक्वेशन को अगर हमें बोलता है किसमें कन्वर्ट करो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो हम लोग इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ये प्रोसेस हो गया। फिर बोलेगा स्लोप निकाले क्या होगा, ये स्लोप हो जाएगा इसका, और फिर बोलेगा बताओ इसमें y इंटरसेप्ट क्या होगा, तो y इंटरसेप्ट जो है आपका ये निकल के आएगा, ठीक है। अब एक कैसा क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन जो है मैं ले लेता हूं, एक क्वेश्चन जो है यहां पर ले लेता हूं मैं, ताकि आपको क्लैरिटी निकल के आ जाए, ठीक है। इस सबको मिटा रहा हूं मैं, इन सबको जो है मैं यहां पर मिटा रहा हूं, ठीक है, इन सबको यहां पर मिटा रहा हूं। चलो अब कैसे करना है वो समझो, कैसे करना है वो समझो, ठीक है, ये समझो, समझो ध्यान से कैसे करना है। तो मान लो एक क्वेश्चन दे रखी है 6x + 3y - 5, 6x प्लस में 3y माइनस में 5 = 0, ये कोई इक्वेशन दे रखी है मान के चलो, ठीक है। और इसको कह रहा है कन्वर्ट, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहला काम क्या है, हमें वाई को इस फॉर्म पे लेके आना है, तो वाई को अकेले छोड़ना पड़ेगा, तो 3y बराबर में कितना आ जाएगा, माइनस का 6x प्लस में 5 निकल के आ जाएगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। उसके बाद क्या करेंगे, वाई को अकेले छोड़ो, वाई कितना आ गया, माइनस का 6x अपॉन पे यहां पे 3 लगेगा, और प्लस में 5 अपॉन में यहां पे 3 लग जाएगा, ठीक है। तो वाई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा आपका माइनस का 2x, ठीक है, और फिर प्लस में 5 अपॉन पे 3 निकल के आ गया। तो हमने कन्वर्ट कर दिया, हमने इस इक्वेशन को जो है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे कन्वर्ट कर दिया। मैंने कहा आपको प्रॉपर नॉलेज 10.2 की होनी चाहिए, तभी हो पाएगा, वरना मुश्किल हो जाएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पर बताओ स्लोप कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, कंपेयर करेंगे, स्लोप क्या होता है जो एक्स के साथ होता है, तो आपका स्लोप नेगेटिव है, माइनस का 2 निकल के आ गया, और जो इंटरसेप्ट है वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया, 5/3। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपके पास, ये कैसे कन्वर्ट करना है, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो पहली चीज तो ये थी कि कैसे हम किसी भी नॉर्मल स्टैंडर्ड इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, इतना क्लियर हो गया सबको, इसको मिटा रहा हूं मैं, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इतना ही था। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद दूसरा जो फॉर्म हमारे पास होता है उसे हम बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। दो चीज थी, एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जहां पर स्लोप गिवन होता था और इंटरसेप्ट दे रखा था वाई इंटरसेप्ट या फिर एक्स इंटरसेप्ट दे रखा था, लेकिन अब क्या स्लोप नहीं है, इंटरसेप्ट फॉर्म है, यहां पर दोनों जगह काट रहा होगा, ठीक है। तो हम दूसरा क्या है, सेकंड वाला क्या हमारे पास, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा, स्लोप बोलो इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये हमारे पास अब दूसरा है, हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास कोई भी क्वेश्चन कैसी स्टैंडर्ड, ये हो जाएगा इस तरीके से, ए एक्स और प्लस में बी वाई और प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो निकल के आ गया। अब मैं थोड़ा आपको बता दूं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसा होता था, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, तो आपको ज्यादा क्लैरिटी निकल के आ जाएगी, है ना। तो मान लो अपने पास क्या है, ये वाई एक्सिस है ना, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये क्या एक्स एक्सिस है, तो इस तरीके से कोई लाइन कट करता था, अपने को याद आ रहा है, कोई लाइन कट करता था, तो ये जो पॉइंट है वो क्या होता था, ए कॉमा जीरो, ठीक है, और ये आपका ओरिजिन हो गया, और ये क्या होता था, जीरो कॉमा बी। तो इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते थे हम लोग, हम लिखते थे x अपॉन पे a, ठीक है, प्लस में y अपॉन पे b इज इक्वल टू 1, इस तरह लिखते थे, हाँ ना, याद आ रहा कुछ आपको। तो हम जो भी इक्वेशन दे रखी होगी हम इसमें कन्वर्ट करेंगे, जो भी आपको ये इक्वेशन दे रखी है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसको कैसे हम लोग जो है इस फॉर्म पे कन्वर्ट करेंगे वो हम इसमें सीखने वाले। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। मैंने कहा ना अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत निकल के नहीं आती। आइए यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर समझते हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाई सी को वहाँ भेजो, कितना आ गया ए एक्स और प्लस में बी वाई और बराबर मैंने माइनस का सी कर दिया, ठीक है, यहाँ तक। अब मैंने क्या देखा, राइट हैंड साइड में वन है, तो राइट हैंड साइड में वन बनाने के लिए मुझे इसे माइनस सी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय माइनस सी, तो यहाँ पर ही माइनस सी से डिवाइड कर दो, और यहाँ पर ही माइनस सी से डिवाइड कर दो, और यहाँ पर भी माइनस सी डिवाइड कर दो, ठीक है। तो देखो माइनस का माइनस ए अपॉन में सी इंटू एक्स आ गया, और प्लस में, ठीक है, माइनस का बी, ठीक है, अपॉन पे सी इंटू पर वाई निकल के आ गया, इक्वल टू वन निकल के आ जाएगा। इसको फिर ये नीचे की तरफ आ रहा है, एक्स वगैरह छोड़ना है, तो नीचे जाके ऐसे आएगा, तो एक्स अपॉन पे आएगा, तुम्हारे पास जगह दिख रही है, ठीक है, दिख रही है, एक्स अपॉन पे सी अपॉन ए, माइनस का सी अपॉन पे ए निकल के आ गया, ठीक है, और फिर प्लस में वाई अपॉन पे माइनस का सी अपॉन ए बी निकल के आ गया, और फिर इज इक्वल टू वन निकल के आ गया, क्लियर यहां तक। तो ये तुम्हारी फाइनल क्या बन जाएगी, ये तुम्हारे पास इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगा, बोलो हाँ या ना, क्या सबको समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं। बस सिंपल से इतना करिए, उल्टे को ये ऊपर जाएगा, तो ए ऊपर चला गया,
सी नीचे आएगा, मेरे को इस फॉर्म पे लाना ना, तो हमारे पास क्या हो गया, जो आपका ए होता है वो इससे निकालेंगे तो माइनस सी अपॉन ए जो होगा, जो भी निकल के आएगा वो आपका ए होगा, और माइनस सी अपॉन बी जो निकलेगा वो आपका बी, अब कौन सा होगा, ये वाला इंटरसेप्ट होगा, वाई इंटरसेप्ट आपका निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट करेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से जो है समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पूछूँ ए कितना होगा, मुझे ए कितना होगा, तो ए आप बोलोगे माइनस का सी अपॉन पे ए, और बी कितना होगा, बी आपका आ गया माइनस का सी अपॉन पे बी। तो ये आपका ए क्या है, एक्स इंटरसेप्ट ऐसे निकालोगे और वाई इंटरसेप्ट जो है इस तरीके से निकालोगे। तो एक क्वेश्चन करा देता हूँ, आपको सब कुछ समझ में अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आप लोग समझ जाओगे, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली, ठीक है। बहुत बहुत ही ज़्यादा आसान है चैप्टर, बहुत ज़्यादा आसान है अपने आप चैप्टर। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिया मान के चलो 3x प्लस 2y माइनस 12, आपके एक्सरसाइज का ले रहा हूँ, ठीक है। एग्जांपल क्या रखा है, 3x और प्लस में 2y जो है माइनस का 12 इक्वल 0, इसको हमें स्लोप, ये स्लोप इंटरसेप्ट नहीं है, इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं इसे, इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म है ये, ठीक है। तो इसे हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है इंटरसेप्ट फॉर्म पे, इस पे लेके आना मुझे, ठीक है। कैसे लेके आऊंगा, तो वही वाला कर रहा है, 3x प्लस में 2y, ठीक है, इक्वल 12। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, वरना डायरेक्ट अगर आपको याद रखना है, आप सीधा निकालो, a क्या होता है, मैंने सीखा था, a क्या होता है माइनस का c अपॉन पे, b क्या होता है माइनस का c अपॉन b होता है, तो आप डायरेक्ट भी निकाल के सीधा कन्वर्ट कर सकते हो, बट आई सजेस्ट कि इसकी नीड नहीं है, तो मैं समझाने के लिए था, आप नॉर्मल ऐसे करो और अच्छी क्लैरिटी निकल के आती है, ठीक है। तो डिवाइड बाय 12, ठीक है, डिवाइड बाय 12 और डिवाइड बाय 12, 1 बनाने के लिए कितना आ गया, x अपॉन में 4 आ गया, प्लस में y अपॉन में 6 निकल के आ गया, और बराबर 1 निकल के आ गया, तो कन्वर्ट हो गया। आपसे पूछेगा कन्वर्ट तो कर दिया, बताओ इंटरसेप्ट, बताओ y इंटरसेप्ट कितना और x कितना है, तो x इंटरसेप्ट कितना होगा, x इंटरसेप्ट जो है आपका वो जो कि a होता है वो आपका 4 निकल के आ गया, कॉमा b जो है आपका y इंटरसेप्ट 6 निकल के आ गया। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी इक्वेशन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म पे, और उसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हम लोग बता सकते हैं। बहुत ही आसान सी कहानी है, आई होप आप सभी को जो है समझ में आ चुका होगा, ठीक है। क्लियर यहां तक, क्या सभी को क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे, लास्ट है नॉर्मल फॉर्म। तीन ही फॉर्म हमारे पास कन्वर्ट करने के लिए आएगा, पहला स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, दूसरा इंटरसेप्ट फॉर्म है, अब तीसरा जो है वो है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म भी मैं आपको बताता हूँ, तो उसको मिटाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत ज्यादा चांसेस के रहते हैं, ठीक है। तो तीसरा जो कन्वर्जन है वो किसका है, नॉर्मल फॉर्म पे कन्वर्ट, किसी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास, ए एक्स और प्लस में बी वाई और प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो, ये कोई इक्वेशन है, इसको हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म होती है, याद है कुछ, एक्स कॉस ओमेगा प्लस में वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी निकल के आता है, याद आ रहा है, कुछ नहीं आया, याद आ रहा है, बोलो याद आ रहा है आपको, तो ये हमारे पास नॉर्मल फॉर्म हुआ करते थे। थोड़ा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, ताकि आप थोड़ा समझ पाओ अच्छे से। तो मान लो अपने पास क्या है, ये वाई एक्सिस है और ये अपने पास क्या एक्स एक्सिस है, ठीक है, इस तरीके से। तो कोई भी एक लाइन ऐसे होती थी, ठीक है, ऐसे होती थी। अब इस लाइन पे जो है आपका ओरिजिन से परपेंडिकुलर दिया होता था, ओरिजिन से परपेंडिकुलर इस लाइन पे दिया होता था, याद आ रहा कुछ। और फिर हम लोग जो है इस लाइन की क्वेश्चन निकालते थे, है ना, और ये आपका जो नॉर्मल है, ये जो आपका नॉर्मल है, नॉर्मल एक्स एक्सिस का जो एंगल बनाता है उसे हम लोग ओमेगा बोलते थे, ठीक है। और इस लाइन पे ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको हम लोग पी बोलते थे। पी क्या होता था, ओरिजिन से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओमेगा क्या था, एंगल। सब याद है या नहीं है, अगर ये सब समझ नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, तो पुरानी वीडियोस देखो, बहुत जरूरी है सीक्वेंस में देखना, क्योंकि मैं ये मान के चीजों को बता रहा हूँ कि आप लोग 10.1 से फॉलो करते आ रहे, तो ये बहुत क्लियर नजर आएगा। जो 10.1 से देख रहे हैं उसको कोई दिक्कत आएगी नहीं चैप्टर में, गारंटी दे सकता हूं मैं, बहुत डिटेल मैंने बताया चैप्टर को, ठीक है। तो एक्स कॉस ओमेगा ये आपका होता है नॉर्मल फॉर्म। तो ये जो फॉर्म होती है कौन सी होती है, एक्स कॉस ओमेगा प्लस में वाई, ठीक है, साइन ओमेगा और इक्वल पी, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये इक्वेशन होती है इसकी नॉर्मल फॉर्म की, ठीक है। तो अगर मुझे किसी भी स्टैंडर्ड इक्वेशन को अगर मुझे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो दो ही चीज चाहिए मुझे, क्या चाहिए, एक तो ओमेगा चाहिए, दो चीज बता दो, या तो मुझे पी बता दो कितना होगा और ओमेगा बता दो कितना होगा, ये दो चीज निकालनी पड़ती है, बाकी मेरा काम तो आसान है कि नहीं है। एक्स कॉस मान लो 90 डिग्री आया, मान लो ओमेगा 90 आया, तो एक्स कॉस 90 प्लस वाई साइन 90 और पी मान लो 4 आए, बराबर 4, मेरा काम खत्म हो गया। तो ये कैसे निकाले, इसके ऊपर बहुत लंबी कहानी है, इसको ध्यान सुनना। मान लो अपने पास ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड है, ध्यान सुनना, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को, और ये किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को। फॉर्म अलग अलग है ना, पर लाइन तो सेम ही है। जब लाइन सेम है, मतलब अगर लाइन सेम होती है, ठीक है, अगर अपने पास लाइन सेम है, अगर अपने पास क्या है,
अगर अपने पास लाइन अगर सेम है, ठीक ध्यान सुनना, अगर अपने पास लाइन सेम है दोनों, तो इसका मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है ऐसे, ठीक है। अगर अपने पास लाइन सेम है तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक के ऊपर एक ओवरलैप करेगा, इसे क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, को इंसिडेंट लाइन हो गई। और आपको अगर याद हो क्लास 10th में पढ़ा था, को इंसिडेंट लाइन की कंडीशन क्या होती थी, हमारे पास वो होती थी ए वन अपॉन पे ए टू बराबर में बी वन अपॉन पे बी टू बराबर में सी वन अपॉन सी टू। याद आ रहा है कुछ है या नहीं याद आ रहा भाई, बोलो। ए वन अपॉन पे ए टू बराबर बी वन अपॉन बी टू बराबर सी वन अपॉन सी टू आता था, याद है जब हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था कि अगर एक के ऊपर है भाई दो, ये भी इसी लाइन को दिखा रहा है, ये भी इसी लाइन को दिखा रहा है, तो ओवरलैप हो जाएंगे, ओवरलैप मतलब को इंसिडेंट हो जाएंगे, मैनी सोल्यूशन हो जाएगा, तो अपने पास ये क्वेश्चन इस तरीके से निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब मेरे को थोड़ा सा ये मिटाना पड़ेगा, अब मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया था, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। और बाकी जो है इसके बाद फिर हम लोग करते हैं, ठीक है, रुको इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा आओ, ये पता, ये पता चल गया तुम्हें, चलो पुट करते हैं, ठीक है, पुट करो भाई, पहले पुट करो, पहले पुट करो, ठीक है। चलो ए वन अपॉन ए टू, तो ए वन अपॉन ए टू कितना है, कॉस ओमेगा बराबर में बी वन अपॉन बी टू, तो बी अपॉन पे, ठीक है, और साइन ओमेगा सी वन अपॉन सी टू, ये तो सी हो जाएगा, और ये इधर आके माइनस का पी हो जाएगा, माइनस का पी, ये तीनों बराबर निकल के आएंगे, हाँ है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट और थर्ड को लेंगे, तो अब ए अपॉन पे कॉस ओमेगा जो है बराबर कितना आएगा अपने पास, सी अपॉन पे माइनस का पी निकल के आ गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, क्रॉस कर रहा हूँ, तो आएगा माइनस का ए पी इज इक्वल टू सी कॉस ओमेगा, ठीक है, सी कॉस ओमेगा। तो कॉस ओमेगा की बात करें तो कितना आ गया, माइनस का ए पी अपॉन पे सी, ये आपका कॉस ओमेगा की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। इसे बोलेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देंगे, ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ आपको मैं। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड, तो क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का बी पी, बी पी इज इक्वल टू सी साइन ओमेगा, सी साइन, सी साइन ओमेगा, ठीक है, सी साइन ओमेगा। तो हम बोल सकते हैं साइन ओमेगा कितना आएगा, तो साइन ओमेगा जो है आपका आ जाएगा माइनस का बी पी अपॉन पे सी, ये आपका साइन ओमेगा आ गया और वो कॉस ओमेगा आ गया, ये क्वेश्चन में क्या जाएगा, टू निकल के आ जाएगा। हम क्या करेंगे भाई, जब भी आपके पास कॉस होता है, जब भी आपके पास साइन होता है, तो दोनों को हम स्क्वायरिंग और एडिंग कर देंगे, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग और एडिंग कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, स्क्वायरिंग और एडिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, एंड एडिंग, एडिंग कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना आएगा, ये आएगा साइन स्क्वायर ओमेगा, ये कितना आएगा प्लस में कॉस स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू, ये कितना आएगा बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, माइनस उठ जाएगा बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, और प्लस में ये कितना आएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर निकल के, हाँ या ना, बोलो 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 बोलो। अब ये होता है वन, ये होता है वन, तो वन बराबर में कितना निकल के आ गया, ये बी स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर पी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर सेम था अपॉन सी स्क्वायर निकल के आ गया। अब सी स्क्वायर है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सी स्क्वायर, सॉरी सी स्क्वायर कितना आ गया अपने पास, यहां पर हम क्या करेंगे पी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, तो पी स्क्वायर कॉमन कर लोगे तो कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर निकल के आएगा, हाँ या ना, ठीक है, हमें पी निकालना ना, तो पी स्क्वायर कितना आ गया अपने पास, वो आ गया सी स्क्वायर अपॉन पे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर निकल के आ गया। तो पी कितना देगा, पी हो जाएगा प्लस माइनस सी अपॉन पे रूट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, हमें पी निकालना था, तो देखो दो चीज निकाल दी, पी निकालना था और साथ ही साथ में हमें क्या निकालना था, ओमेगा, तो पी तो ऐसे निकल जाएगा। तो ये ड्राइव किया था मैंने, वैसे देखो डेरिवेशन की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट समझ में आया इसलिए मैं बता, जहां देखो जहां जहां डेरिवेशन की नीड नहीं है वहां नहीं बताऊंगा, ये डायरेक्शन इसलिए बताएगी, ये क्वेश्चन ना कहीं आप फंस गए तो वहां से बाहर आ पाओगे। लेकिन जैसे मान लो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसमें कोई नीड नहीं कॉन्सेप्ट की, वो डायरेक्ट आप याद कर सकते हो, ठीक है, वो सारी बातें हम लोग डायरेक्ट बताएंगे, लेकिन इसमें नीड थी इसलिए प्रॉपर डिटेल में बता रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। तो हमने पी निकाल लिया, तो पी निकालना हमें आ गया भाई, कैसे निकालते हैं, हम क्या करेंगे सी रखेंगे, सी डिवाइड बाय ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर रूट कर देंगे और प्लस माइनस। अब पी क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव होती नहीं है, अब हम देख लें किस तरीके से हमें इस्तेमाल करना पी के साइन का, वो मैं आपको क्वेश्चन करके बता दूंगा, ठीक है। तो इसको मिटा रहा हूँ नीचे, अब नीचे की सारी कहानी मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, नीचे की नहीं ये कहानी मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये सारी कहानी मिटा रहा हूँ, ये काम खत्म हो गया, ठीक है, ओके मिटा दो, इस तक को मिटा दो, ठीक है, ये मिटा दो, उसकी नीड नहीं है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है, एस सी जो है इस वाले की नीड नहीं है, सेलेक्ट कैसे होता है,
चलो ठीक है, इसे सी साइड में करो ठीक है। चलो तो हमें पी मिल चुका है, अब हम क्या करें, कॉस ओमेगा निकालेंगे और साइन ओमेगा निकालेंगे, बस खत्म होता, खत्म होने वाला है ठीक है। चलो सुनो ध्यान से, तो चलो कॉस ओमेगा की बात करते हैं, माइनस का ए, ए अपॉन पे सी इंटू पी, पी कितना है, पी है अपने पास प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस भी माइनस भी, तो अगर प्लस माइनस याद रखना ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ए अपॉन सी और यहाँ पर कितना आ गया, सी अपॉन पे रूट पे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर निकल के आ गया, सी से सी कैंसिल हो गया, तो हम बोल सकते हैं कॉस ओमेगा, कॉस ओमेगा कितना आ गया अपने पास, ए अपॉन पे रूट पे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ठीक है। तो ये तुम्हारे पास प्लस माइनस इस तरीके से तुम लोग कॉस ओमेगा को निकाल सकते हो ठीक है। ओके, ऐसे हम साइन ओमेगा निकालेंगे, तो साइन ओमेगा जो है आपका वो कितना आ गया, प्लस माइनस बी अपॉन पे रूट पे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर निकल के आ गया ठीक है। ये आपका हो गया साइन ओमेगा कॉस ओमेगा। अब जो भी वैल्यू जाएगी, मान लो कॉस नेगेटिव आया साइन पॉजिटिव आया, सेकंड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है तो ओमेगा उस हिसाब से निकाल लेंगे, मान लो कॉस पॉजिटिव आया साइन नेगेटिव आया तो फोर्थ क्वाड्रेंट लाई कर रहा है उस हिसाब से निकाल लेंगे, और दोनों नेगेटिव हमारे पास निकाल गए तो उस कहाँ लाई कर रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। याद है मैंने कराया था, अगर आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री में, ये नोट कर लें ठीक है, ये नोट कर लेना, मैं इसको बता रहा हूँ, अगर आपको याद होगा तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने एक चीज करवाई थी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री में अगर आपको याद होगा मैंने कुछ बताया था, क्या बताया था, इसका इस्तेमाल मैं करूंगा अभी, समझाऊंगा क्वेश्चन में, टेंशन मतलब डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है, है ना। तो ये चार क्वाड्रेंट होते हैं, पहले क्वाड्रेंट में जो है अपने पास ओमेगा जो है वो थीटा के बराबर ही होगा, यहाँ पर ओमेगा कितना होगा वो होगा पाई माइनस में थीटा, यहाँ पर ओमेगा कितना होगा वो होगा पाई प्लस में थीटा ठीक है, और यहाँ पर ओमेगा कितना होगा आपका टू पाई माइनस थीटा। आप कहाँ पर लाई कर रहे हैं उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर क्या चीज़ होने वाली है, तो उसको नोट कर लेना फटाफट से अभी, और थीटा क्या होगा नॉर्मल हम निकालेंगे इस तरीके से ठीक है। अब एक क्वेश्चन से बता दो सारी बातें क्लियर नहीं करेंगी, एक क्वेश्चन से बता दो सारी बातें जो आपको पता चल जाएंगे, वैसे याद रखना ये चीज़ याद रखना कि कॉस ओमेगा कैसे निकालोगे, साइन ओमेगा कैसे निकालोगे, कॉस ए होता है और साइन में बी में निकल के आता है, और पी क्या होता है सी अपॉन पे होता है ठीक है, सी अपॉन में ए सोलो बी स्क्वायर होता है। क्लियर तक सबको मिटा रहा हूँ, एक क्वेश्चन लेते हैं कैसे, देखो मुझे पता थोड़ा कन्फ्यूज आप लोग हो गए होंगे, आई नो थोड़ा कन्फ्यूज आप यहाँ पर हो गए होंगे, बट अगर एक क्वेश्चन करोगे तो सारी क्लैरिटी निकल के आ जाएगी। एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, उसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, सब पता चल जाएगा आपको आराम से ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कैच करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है एक्स माइनस रूट थ्री वाई, एक्स माइनस रूट थ्री वाई प्लस में एट इज इक्वल टू जीरो ठीक है। इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना, अब ध्यान सुनना, कैपिटल ए कितना आ गया वन, कैपिटल बी कितना आ गया माइनस रूट थ्री, सी कितना आ गया एट निकल के आ गया ठीक है। ठीक है, पहले पी निकाल लेते हैं, पी कितना आएगा, पी कैसे निकालते हैं अभी बताया था मैंने, प्लस माइनस सी अपॉन पे रूट पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ठीक है, जो कि हो जाएगा पी बराबर में प्लस माइनस सी कितना है एट अपॉन पे रूट पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वन रूट माइनस रूट का स्क्वायर थ्री आ गया तो फोर आ गया रूट टू है ना, तो प्लस माइनस एट अपॉन पे टू निकल के आ गए भाई, फोर हो जाएगा टू बारह तो फोर हो जाएगा, तो प्लस माइनस फोर निकल के आ गया। तो पहली चीज जो है पी, पी कितना आ गया प्लस माइनस फोर, अब पी क्या है डिस्टेंस होता है ओरिजिन से, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो हमारे पास पी जो है प्लस का फोर निकल के आ गया ठीक है, तो पी जो है प्लस का फोर निकल के आ गया, तो हमारा पहला काम तो हो गया। अब जो सारा काम मत्था पीछे करनी है वो किस पे करनी है, हमें किस पे करनी है, वो कॉस ओमेगा साइन ओमेगा निकाल पे करना है ठीक है। तो अब इसके हम निकालते हैं कॉस ओमेगा, तो कॉस ओमेगा क्या बताया था मैंने, कॉस ओमेगा बताया था मैंने प्लस माइनस ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, काम करते हैं, चल छोड़ो, प्लस माइनस ए अपॉन पे रूट पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बताया था मैंने ठीक है। चलो तो कॉस ओमेगा कितना हो जाएगा, तो प्लस माइनस ए कितना है अपने पास, ए आपके पास वन है, तो वन अपॉन पे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी निकाला टू निकल के आया, टू निकल के आ गया, तो कॉस प्लस माइनस टू हो सकता है। अभी कैसे पता चला क्या है कॉस प्लस का टू है माइनस का टू है, अभी बता रहा हूँ थोड़ी देर बाद ठीक है। ऐसी साइन निकालो ठीक है, साइन ओमेगा कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस बी होता है ना, बी आपके पास कितना माइनस रूट थ्री है, तो अगर रूट थ्री माइनस अगर नीड नहीं है, प्लस माइनस है ना तो नीड नहीं है उसकी, अपॉन पे ठीक है, अपॉन पे, अपॉन पे और अपॉन प्लस ये कितना टू निकल के आ गया, तो साइन ये निकल के आ गया, बोलो बात समझ आएंगे, तो कॉस आपका प्लस माइनस वन अपॉन टू आ गया, साइन आपका प्लस माइनस थ्री अपॉन टू निकल के आ गया। अब पता क्या चलेगा,
अब पता कैसे चलेगा कि क्या साइन पॉजिटिव नेगेटिव कैसे पता चलेगा, मैं बता दूँ फ्रेंड्स, थोड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें थोड़ा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान सुनना, डायग्राम कैसे बनाएंगे, पूरी सही है, नीचे जाते देखो, जो इक्वेशन दे रखी है हमारे पास वो क्या है, x माइनस में रूट थ्री वाई प्लस में 8 इज इक्वल टू 0 निकल के आ गया, ठीक है। तो रूट थ्री वाई कितना हो जाएगा, x प्लस में 8, और y कितना आ गया, y आ जाएगा अपने आप 1 अपॉन पे रूट थ्री इंटू एक्स प्लस में 8 अपॉन पे रूट थ्री। इसको ध्यान से देखो, y इक्वल टू mx प्लस c से देखें तो स्लोप आपका पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी आपका पॉजिटिव है। इंटरसेप्ट मतलब y इंटरसेप्ट की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से बनेगा, वो जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, लाइन कुछ ऐसे होगी, ठीक है। तो आपका ये जो है थीटा एक्यूट है इसलिए पॉजिटिव निकल के आएगा, और y इंटरसेप्ट अगर पॉजिटिव है तो यहां पर, तो यहां पर अगर मैं ओमेगा बनाऊं, यहां पर ध्यान सुनना, अगर यहां पर मैं ओमेगा बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा, सेंटर से परपेंडिकुलर उसमें इतना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेंटर से परपेंडिकुलर डालोगे इसमें इस तरीके से, ओमेगा क्या हो जाएगा, एंड ये एक्स एक्स ओमेगा ये हो जाएगा, तो आपका ओमेगा ये निकल के आएगा। अब ओमेगा कहां लाई कर रहा है, ओमेगा लाई कर रहा है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है, साइन पॉजिटिव होता है और कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। भाई ओमेगा कहां लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम बोलेंगे ओमेगा कहां लाई कर, सेकंड क्वाड्रेंट में कर रहे हैं, ठीक है। वहां पर आपका क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, यहां पर क्या होता है, साइन आपका पॉजिटिव होता है और कॉस आपका नेगेटिव होता है, क्लियर यहां तक। इसका मतलब साइन पॉजिटिव है और कॉस नेगेटिव है, बात समझ आ रही, क्या बोला मैंने, साइन पॉजिटिव कॉस क्या होता है, नेगेटिव होगा। चलो अब निकालते फटाफट से, चलो ओमेगा निकालो, तो ओमेगा कितना आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, अब यहां पर 1/2 √3/2 क्या होता है, 1/2 √3/2, तो ये होता है आपका थीटा, अगर मैं निकालूंगा कॉस 1/2 कब होता है, मेरे ख्याल से 60 भी होता है, राइट, 60 भी होता है, हाँ 60 भी होता है, तो थीटा जो है आपका 60 बोल दो या पाई अपॉन 3 बोल, मैं रेडियन में निकालू, ठीक है, पीछे आंसर डिग्री में देखा, डिग्री कन्वर्ट कर लेना, थीटा अपॉन 3, तो ओमेगा कितना आ गया, वो आ गया पाई माइनस में पाई अपॉन 3 निकल के आ गया, जो कि 3π माइनस में पाई अपॉन 3 निकल के आ गया, तो ओमेगा जो है आपका आ जाएगा 2π अपॉन 3 निकल के, और 2π अपॉन 3 का मतलब कितना होता है, 2 × 180 / 3 कन्वर्ट कर देता हूं मैं, ठीक है, तो 120, तो 120 डिग्री, अगर डिग्री में करोगे 120 और रेडियन में करोगे 2π / 3, तो ओमेगा भी निकल के आ गया मेरे पास, पी भी आ चुका था और ओमेगा भी आ कितना मेरे पास आ गया 120 डिग्री में निकालता हूं मैं, तो 120 डिग्री जो है आपका ओमेगा निकल के आ गया। तो ये सारी कहानी जो है इस तरीके से हमें करनी है, मेरे ख्याल से आपको सारी बातें समझ आ गई है। अब इक्वेशन लिखेंगे कैसे, अब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे कैसे, मिटा रहा हूं इसकी नीड नहीं है, अब तो इसको मिटाते हैं। अब इक्वेशन कैसे लिखनी है, जो इक्वेशन होती है वो कैसे होती है, वो होती है एक्स कॉस ओमेगा प्लस में वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी निकल के आता है, एक्स कॉस ओमेगा, तो एक्स कॉस 120 डिग्री और प्लस में वाई साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू 4, ये आपका हो जाएगा नॉर्मल फॉर्म। तो ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है भाई, क्या बोला मैंने, सुनो ध्यान से, ये काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ध्यान से करना है, आप सबको आना चाहिए, ठीक है। जब क्वेश्चन और करेंगे तो और अच्छे से क्लैरिटी आएगी, कंफ्यूज नहीं होना, स्टेप बाय स्टेप समझो। मैंने क्या करा, पहले मैंने पी निकाला, कॉस निकाला, साइन निकाला, कंफ्यूज भाई कॉस कैसा साइन कैसा है, फिर मैंने डायग्राम बनाया, डायग्राम में चेक करा ओमेगा कहां लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट लाई कर रहा था ओमेगा, तो निकाल दिया उसके साथ कॉस प्लस जो है कॉस नेगेटिव था, साइन पॉजिटिव था, ठीक है। बात समझ आ गई, चलो इसको बिठा रहे हैं, इसको बिठा रहे हैं। और अच्छे समझ कब आएगा, जब वो 10.2 अच्छे से पता होगा, नॉर्मल फॉर्म के अंदर पता होगा तो बहुत बढ़िया समझ आएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट From a line, ठीक है, मतलब एक पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा लाइन से, तो ये भी देख लेते फटाफट से, हम डेरिवेशन नहीं कराऊंगा इसकी, मैं तो समझा देता हूं क्या है इसका मतलब, ठीक है। तो ठीक है,
मान लो ये लाइन है, ठीक है, और मेरे पास कोई पॉइंट है ये रहा। अब डिस्टेंस तो भाई परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या होता था, 0, b और ये a, 0, ठीक है, याद है। अब अगर आपको याद होगा, मैंने ये क्या होता है, x अपॉन पे a प्लस पे y अपॉन पे b इक्वल टू 1, तो मैंने बताया था a क्या था माइनस का c अपॉन a था, और b क्या था आपका माइनस का c अपॉन b था। याद है, नहीं याद है भूला मत करो, ठीक है। तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, तो इसकी जगह हम ये ना लिख के क्या लिखेंगे, माइनस का c अपॉन b लिखेंगे, और यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस का c अपॉन a, ठीक है। अब ये पॉइंट वाला गिवन है आपको, x1, y1, एक पॉइंट आपको दे रखा है, इस पॉइंट का इस लाइन से कितना डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस को d मानते हैं, वो डिस्टेंस हमें निकालना, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकाला गया, डराइव कैसे किया गया, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, उसके मैं ड्राइव नहीं करा रहा, पर कैसे करना, अगर करना चाहो कैसे कर सकते हो, ये मैंने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, और ये मैंने जोड़ दिया, करना चाहो कैसे कर सकते हो, नामकरण करो, इसको नाम दे ए बी सी, ध्यान सुनना, फिर नाम दे दिया। मैं क्या करूंगा, मेरे पे ए के कोऑर्डिनेट्स पता है, बी कोऑर्डिनेट्स पता है, और सी के पता है, तो तीन अगर मेरे को कोऑर्डिनेट्स दे रखे, तो एरिया का ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, 1/2 x1 y2 y1, ऐसे करके मैं एरिया निकाल लूंगा। उसके बाद उस एरिया को मान लो एरिया मेरा आया, जो भी एरिया निकल के आया, ठीक है, मेरा एरिया आ चुका है। अब एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, बेस कितना है उसका ए सी, इंटू हाइट कितनी है इसकी पी है या डी है, बराबर कितना आ गया, जो एरिया मैंने निकाला गिवन एरिया ए, ठीक है। अब ए से निकाल सकता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला से, भाई ये और ये पॉइंट पता है, तो इसका डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो ए हमारे पास जो ए सी में निकल के आ जाएगा, तो मान लो ए सी एक्स आ गया इंटू एक्स, ठीक है, इंटू डी इक्वल कितना हो गया, ए निकल के आ गया, तो एक्स कितना आ गया 2a/d, कुछ इस तरीके से जो है हम लोग जो है नॉट एक्स डी, तो डी कितना ये आ गया, डी आ गया और 2a/x, तो इस तरीके से जो है इसकी डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन आपके बुक में दे रखी है, वो मैं नहीं करा रहा, मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ कि क्या यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस होता है डी, तो डी इक्वल टू होता है ए एक्स वन प्लस में बी वाई वन प्लस में सी, है ना, अपॉन पे स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इनकेस नेगेटिव आ जाए तो यहाँ पर मॉड लगा होता है, उसका होता है पॉजिटिव। तो ये आप एक पॉइंट से किसी भी लाइन पर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन पे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो है इस तरीके से हम डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फॉर्मूला, किसी भी पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस कैसे निकाले, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, तो इस तरीके से आपका निकाला जाता है। क्लियर है सभी को, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब हम लास्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं, फिर एक्सरसाइज करेंगे कि दो पैरेलल लाइन के डिस्टेंस कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कोई दो पैरेलल लाइन मान लो, मैं भी ड्राइव नहीं कर रहा इसको, एक पैरेलल लाइन, एक ये लाइन है और उसके पहले ये है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन है। अब इनके जो डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, ऐसे, इसी क्वेश्चन मान लो ए एक्स वन, सॉरी, इसी क्वेश्चन मान लो ऐसी है, ए वन एक्स प्लस में बी वन वाई प्लस में सी वन इक्वल जीरो, ठीक है। जब दो लाइन पहले होते हैं ना, उनका एक्स का और वाई का कोएफिशिएंट सेम होता है, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल जीरो, और इसकी क्वेश्चन क्या हो जाएगी, ए एक्स प्लस में बी वाई, ठीक है, और प्लस में सी टू इक्वल जीरो, ऐसी क्वेश्चन है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास सी टू माइनस में सी वन अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी टू माइनस सी वन, ठीक है, अपॉन पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सी टू माइनस सी वन भी कर सकते हो, सी वन माइनस सी टू भी कर सकते हो, मॉड तो लगाइए, एक ही बात है, क्लियर है। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, सी वन माइनस सी टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप चाहे पहले सी टू लिखो चाहे सी वन लिखो, बात एक ही है, क्योंकि मॉड लगा हुआ नेगेटिव तो हो नहीं सकता,
ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये था नॉवल बेसिक कॉन्सेप्ट 10.3 का, फटाफट से जो है एक्सरसाइज करते हैं, और एक्सरसाइज करेंगे तो हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझेंगे, आपको भी बहुत मजा आने वाला है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब आते हैं फटाफट से एक्सरसाइज के ऊपर। तो अगर आपको ये समझ में आ गया वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। और कोई हो सकता है आपको, देखो अभी सिर्फ जो मैंने कराया नॉर्मल फॉर्म में थोड़ी दिक्कत आई होगी, नॉर्मल फॉर्म को ध्यान समझना मैं क्या करना चाह रहा हूँ, और 10.2 समझ के उसके करना नॉर्मल फॉर्म वाली वीडियो देख के, जहाँ मैंने इंडक्शन बताया नॉर्मल फॉर्म का, उसको देख के यहाँ पर करना, ठीक है। चलो अब आते हैं फटाफट से एक्सरसाइज पे, अब आते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। ओके 10.2 हो चुका है, 10.3 से कराना। पहला क्वेश्चन, रिड्यूस द इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। फटाफट कर रहा हूं मैं। चलो तो मान के चल रहा हूं कि आपने बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन देखा है, और फिर मैं इसको करा रहा हूं। पहला, x प्लस में 7y इक्वल टू 0 दे रखा है, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसमें नोट करना है। तो 7y इज इक्वल टू माइनस का x, y कितना आ गया माइनस का 1 अपॉन में 7 इंटू एक्स प्लस में 0, ठीक है, कन्वर्ट कर लिया। फिर क्या बताना है, फाइंड स्लोप बताना है और y इंटरसेप्ट बताना है, ठीक है। तो स्लोप m कितना हो गया, कंपेयर करो माइनस का 1 अपॉन में 7, ठीक है, और y इंटरसेप्ट जो है c वो आपका 0 दे रखा है, ठीक है, क्लियर है तक। चलो नेक्स्ट इस पे आ जाता हूँ। तो 3y इक्वल टू माइनस का 6x प्लस में 5 हो जाएगा, है ना। तो y कितना आ गया, माइनस का 6 अपॉन पे 3x प्लस में 5 अपॉन 3 निकल के आ गया। तो y कितना आ जाएगा, माइनस का 2x प्लस में 5 अपॉन 3, ठीक है। कंपेयर करूँगा y x प्लस से, तो m आपका माइनस का 2 आ गया, और इंटरसेप्ट जो है वो आपका 5 अपॉन 3 आ गया, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, y इज इक्वल टू क्या है, 0x प्लस में 0 दे रखा है, ठीक है। कंपेयर करो, स्लोप भी 0 है, ठीक है, और आपका स्लोप भी 0 है, और आपका जो है y इंटरसेप्ट 0 है। तो ये जो y इंटरसेप्ट c भी 0 है, c भी कितना आपका 0 दे रखा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि y इक्वल 0 मतलब क्या, x एक्सिस की बात कर रहे हैं। तो x एक्सिस के ऊपर जो है स्लोप 0 होता है, ठीक है। टेन थीटा 0 कहां पर होता है, जब x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा हो ना, एंगल 0। तो जब भी हम y इक्वल 0 इसका मतलब क्या, किस इक्वेशन की बात कर रहा है, वो आपका x एक्सिस की बात कर रहा है। तो x एक्सिस की बात की जा रही है, ठीक है। तक चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर कह रहे हैं, कह रहे इसको रिड्यूस करना है इंटरसेप्ट फॉर्म पे। क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, हमारे पास x अपॉन पे a प्लस में y अपॉन पे b इज इक्वल टू 1, ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें कन्वर्ट करना है। चलिए तो कितना हो गया हमारे पास, 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड करो 12 से, 12 और 12 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया, तो x अपॉन पे 4 प्लस में y अपॉन पे 6 इज इक्वल टू 1 निकल के आ गया। तो ये कन्वर्ट हो गया। अब क्या बोला, इंटरसेप्ट बताओ, तो x इंटरसेप्ट जो है 4 है, और y इंटरसेप्ट b जो है आपका 6 दे रखा, ठीक है, क्लियर है। चलो इस वाले क्वेश्चन में आ जाओ, तो 4x माइनस में 3y इज इक्वल टू 6 है, तो डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 6 और डिवाइड बाय 6, तो जाएगा 2 अपॉन पे 3x माइनस जो है y अपॉन पे 2 और इक्वल टू 1 निकल के आ गया। इसको देखिए हम लोग, x अपॉन पे 3/2 और माइनस में y अपॉन पे 2 इज इक्वल टू 1 निकल के आ गया, ठीक है। और प्लस में माइनस लगा दो, माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगता है मेन फॉर्मूले में। तो x इंटरसेप्ट a कितना हो गया, 3 अपॉन पे 2, और y इंटरसेप्ट b कितना आ गया, माइनस का 2 निकल के आ गया, ठीक है तक। चलो अब c की बात करते हैं इस वाले की, तो 3y इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 2 निकल के आ गया, ठीक है। 1 करना है, तो डिवाइड बाय माइनस का 2 और डिवाइड बाय माइनस का 2, ठीक है, कितना आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ये, तो y अपॉन पे माइनस 2/3 इज इक्वल टू 1, ऐसे आएगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो उसे कि 0 छोड़ने नहीं इसकी, ठीक है, कुछ ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके मैं पूछूं कितना y इंटरसेप्ट जो है आपका, माइनस का 2/3 निकल के आ गया, और a इंटरसेप्ट है ही नहीं, a 0 है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। तो आंसर चेक कर लो फटाफट से, एक बार आंसर भी चेक कर चलेंगे साथ साथ में, ताकि कोई गड़बड़ ना आए, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन अपने पास है, तो आपका 4/6 है, 3/2 माइनस का 2, ठीक है, और नो आंसर विद x, ठीक है, क्लियर आता है, ठीक है, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं 3, जो कि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल फॉर्म। इसी में दिक्कत आ रही थी, तो मैं तीनों क्वेश्चन बताऊँ नॉर्मल फॉर्म के, आपको बहुत क्लियरिटी निकल के आएगी, ध्यान सुनना, ध्यान से क्वेश्चन करना, ठीक है। पहला देखो, पहला सेम वही क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है, तो मैं कराया था आपको समझ में आ जाएगा। पहला सबसे लिए करना है आपने, ए निकालना है, ए कितना आ गया 1, ठीक है। बी निकालो, बी आ गया माइनस का रूट 3, करना कैसे बताना, सी कितना आ गया 8 निकल के आ गया, ठीक है। तो पहले अपना रूट में निकालो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालो,
रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, काम आता ना, कितना आ गया अपने पास, वो आ गया अपने पास रूट में वन प्लस में थ्री, जो कि रूट में फोर आपका टू निकल के आ गया, तो ये निकल गया। अब पी निकालो, पी कितना होता है, प्लस माइनस सी अपॉन पे रूट पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, जो कितना आ गया प्लस माइनस में और एट अपॉन पे टू, जो कि प्लस माइनस फोर निकल के आ गया, तो पी नेगेटिव होने से डिस्टेंस है, तो पी जो है आपका प्लस का फोर निकल के आ गया, ठीक है। अब बात करें कॉस ओमेगा की, बात करें हम किसकी, कॉस ओमेगा की, तो होता है प्लस माइनस ए, ए कितना है वन अपॉन पे और ये टू निकल के आ गया, ठीक है। बात करें साइन ओमेगा की, तो प्लस माइनस बी, बी कितना है माइनस रूट थ्री, तो माइनस नीड नहीं है, वो प्लस माइनस काउंट हो गया, तो साइन और कॉस निकाल लिया इस तरीके से मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर साइन और कॉस को देखे थीटा निकालो तुरंत ही, तो थीटा कितना आएगा वन अपॉइंट टू और रूट थ्री अपॉइंट टू, कहाँ पर लाई करता है वन अपॉइंट टू कॉस में होता है आपका 60 डिग्री, बना पाई अपॉइंट थ्री, तो पाई अपॉइंट थ्री लिख सकते हैं या फिर आप 60 डिग्री बोल सकते हो, ठीक है। तो मैंने थीटा फटाफट से निकाल लिया, अब काम क्या मेरा, अब काम क्या, जो मेरे पास इक्वेशन दे रखी है, जो भी इक्वेशन दे रखी है, इसको हम क्या करेंगे, इंटरसेप्ट स्लोप, इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और चेक करेंगे स्लोप कैसा है और इंटरसेप्ट कैसा है, उसके हिसाब से ओमेगा निकालेंगे कि ओमेगा एक कंडीशन जानेंगे कि ओमेगा कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, हमें सिर्फ ये जानना है ओमेगा कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, जिस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है उसके हिसाब से हम लोग ओमेगा निकाल सकते हैं, मैंने आपको चार वैल्यूज बताई है, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ फटाफट से इसको, इसमें देखो ध्यान से, तो क्या करेंगे रूट थ्री वाई जो है कितना आएगा आपका x प्लस में एट निकल के आ गया, है ना, तो जैसे मैंने आइडिया ले लिया जो y है कितना आ गया x अपॉन पे रूट थ्री और प्लस में एट अपॉन रूट थ्री, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आइडिया ले लिया m कितना है, स्लोप आपका पॉजिटिव आ रहा है वन अपॉन रूट थ्री है और इंटरसेप्ट भी आपका पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट स्लोप भी पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव का मतलब होता है कि आपका वो जो जो थीटा है वो कम से कम एक्यूट एंगल हो तो आपका पॉजिटिव निकल के आता है, बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं, एक्यूट एंगल हो तो आपका पॉजिटिव निकल जा रहे, तो जो कंडीशन है कुछ इस तरीके से रही होगी, कंडीशन कुछ इस तरीके से रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से कंडीशन नहीं होगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारे पास क्या हो गया, इस तरीके से सी पॉजिटिव यहाँ पर आ गया भाई, सी पॉजिटिव ऊपर चला गया, ये आपका 0.8 रूट थ्री दे रखा है, एट अपॉन रूट थ्री, और स्लोप ये आपका थीटा होता है, स्लोप आपका क्या है पॉजिटिव है। अब ओमेगा की बात कर रहा हूँ, स्लोप से मतलब नहीं, ओमेगा से मतलब है, तो ओमेगा ये हो गया आपका, ठीक है, और ओमेगा जो है अपने पास एक्स एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसे ओमेगा बोलता है, नॉर्मल, ये नॉर्मल है, नॉर्मल एक्स एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो ये एंगल कहाँ लाई कर रहा है आपका सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है और कॉस नेगेटिव होता है ना, साइन पॉजिटिव होता है कॉस नेगेटिव, कोई मतलब हमें क्या है नहीं, तो सेकंड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है, हमें सिर्फ इतना जानना था, तो ये पाई माइनस में थीटा होता है, थीटा हम निकाल चुके हैं, तो ओमेगा कितना आ गया पाई माइनस में थीटा कितना रखा, पाई अपॉन में थ्री, सॉरी पाई अपॉन टू थ्री, हाँ थ्री रखा है, जो कि टू पाई अपॉन में थ्री, या फिर उसको 120 डिग्री भी डिग्री में 120 डिग्री कह सकते हैं, तो ओमेगा भी निकल के आ गया। तो इस तरीके से करना है, अब ओमेगा भी पता मेरे पास, अब मुझे जो है ओमेगा भी पता है और सब कुछ पता चल गया, तो बताओ एक्स कॉस 120 डिग्री, ठीक है, प्लस में वाई साइन 120 डिग्री और पी तो आपका चार आ गया था, तो ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है, क्लियर है, आई होप आपको अब जो है समझ में आ गया। अब मुझे बताना कितने बच्चों का अच्छे से क्लियरिटी से समझ में आ चुका, ठीक है, क्लियर है तक। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, इसको मिटा रहा हूं मैं, नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट बहुत इजी है, सेकंड पार्ट दिखने में बहुत डेंजर लग रहा कैसे होगा, लेकिन बहुत ईजी है, कैसे ईजी है, इसको डायग्राम समझो, इसको डायग्राम की मदद समझो, मैं आपको समझाता हूं कैसे होगा, ठीक है। तो ये हो गया, अरे क्या होगा, ठीक है, यहां पर बोला गया वाई इक्वल टू के बराबर है, भाई ये क्या हो गया, इसे लिखता हूं वाई इक्वल टू, मतलब वाई टू में कुछ इस तरह से ये लाइन है, ध्यान सुनना कॉन्सेप्ट समझ, जैसे कहा था कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आप लोगों को, वाई आपके पास टू दे रखा है, ठीक है, ये लाइन है, अच्छा इस लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर को पी बोलते थे, तो पी तो आपका टू निकल के आ गया भाई, ये तो कितना है 0.2 है, टू यूनिट दे रखा है, तो पी तो कुछ करना ही नहीं पड़ा मेरे को, पी आपका टू निकल के आ गया, इस लाइन के ऊपर ओरिजिन से परपेंडिकुलर को नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल कितना आपका ये ओ, ये मान लो ओ पॉइंट है ओ, और ये पॉइंट है ओ, ये आपका नॉर्मल है, और नॉर्मल जो है x x के साथ जो भी एंगल बनाता है उसे ओमेगा बोलते हैं, तो x x कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पर ओमेगा कितना आ गया आपका 90 डिग्री निकल के आ गया भाई, खत्म हो गया, कुछ नहीं करना पड़ा इसमें, तो कितना आ गया x cos 90 डिग्री, ठीक है, और प्लस में y sin 90 डिग्री, इक्वल कितना आ गया अपने पास 2 निकल के आ गया, खत्म भाई, टाटा बाय बाय हो गया, खत्म, इतना ही करना था, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए कहा कॉन्सेप्ट पता होगा तो कोई भी दिक्कत निकल के नहीं आएगी। चलो अब नेक्स्ट करते हैं लास्ट थर्ड वाला, क्या कह रहा है, x माइनस में y जो है इज इक्वल टू 4 दे रखा है, मतलब x माइनस में y माइनस का 4 इक्वल 0 निकल के आ गया, ठीक है। तो अगर पहले बात करूं रूट में क्या निकालना, मैं पहले हम एबीसी निकाल देना, चलो
तो ए कितना आ गया, ए आपका 1 आ गया, ठीक है। बी हमारे पास माइनस का 1 है और सी हमारे पास माइनस का 4 है, ठीक है। चलो अब क्या है, निकालो रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं कितना देगा। तो रूट में ए स्क्वायर आपका 1 है, बी स्क्वायर भी आपका 1 ही आएगा, तो रूट में 2 जो है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो पहले पी निकालते हैं, पी कितना होता है, पी होता है प्लस माइनस सी अपॉन पे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, जो कि हमारे पास कितना आ गया, प्लस माइनस अगेन 4 आ जाएगा, प्लस माइनस 4 अपॉन पे रूट 2 निकल के आ गया, ठीक है। ये आएगा ना, हाँ, जो कितना आएगा 4 हो जाएगा आपके पास, प्लस माइनस से 4 लिख सकते हो, मैं 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 मतलब रूट 2 लिख सकते हैं, खत्म हो गया, तो 2 रूट 2 निकल के आ जाएगा। तो पी जो है, पी कितना आ गया, प्लस का 2 रूट 2, ये पी निकल के आ गया, कितना आ गया पी, तो हमारे पास 2 रूट 2 निकल के आ गया। पहले चेक करते क्या पी 2 रूट 2 है भी नहीं है, हरी हरी हरी, यस पी जो है 2 रूट 2 है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, पी निकल के आ गया। अब बात करते हैं कॉस ओमेगा की, कॉस ओमेगा क्या होता है, प्लस माइनस ए, ए कितना है 1 अपॉन पे ये कितना है रूट 2, ठीक है। साइन ओमेगा की बात करते हैं, प्लस माइनस बी अपॉन बी कितना है माइनस का 1, वही हो गया 1 अपॉन रूट 2। अब दोनों सेम सेम काम होता है, थीटा निकालो यहाँ से, पाई अपॉन 4 निकल के आ गया, तो थीटा तो बस चल गया, ठीक है, थीटा कितना आ गया, पाई अपॉन 4 निकल गया। अब चेक करना है हमें डायग्राम बना के, इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे, ठीक है। तो कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, तो y इज इक्वल टू जाएगा x माइनस ए 4, बोलो हाँ या ना भाई, ये उधर गया इधर आया, ठीक है। तो कन्वर्ट कंपेयर करो, स्लोप आपका पॉजिटिव है लेकिन आपका इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो डायग्राम कैसा होगा, अब ये समझना जरूरी है ना, ये जो समझ गया उसका काम खत्म, ये जो समझ गया वही वो गेम चेंज कर जाएगा। सुनो ध्यान से, सुनो, अब स्लोप तो पॉजिटिव है मतलब नॉर्मल होगा, ठीक है, और लेकिन इंटरसेप्ट नेगेटिव है, वाई में नेगेटिव काट रहा है, तो कुछ इस तरह से होगा, आया ना, ठीक है। अब इस पर अगर मैं नॉर्मल खींचूंगा कुछ ऐसा निकल के आएगा, बोलो। अब एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जो ओमेगा है कहां लाई कर रहा है आपका, या सीधा समझो ना यार, ये लाइन कहां पर लाई कर रहा है इतना समझो, फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है। अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है ओमेगा, काम खत्म, तो ओमेगा कितना देगा हमारे पास, 2 पाई माइनस थीटा, थीटा कितना निकालता हमने, बोलो पाई अपॉन 4 निकालता, पाई अपॉन 4 इतना ही करना होता है यार, बस इसमें कितना ओमेगा 8 पाई 7 पाई अपॉन 4 निकल के आ गया। इसको कन्वर्ट करोगे अगर उसमें, ये तो हमारे पास रेडियन में आ गया, ठीक है, अगर उसे कन्वर्ट करना चाहते हो डिग्री पे, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन 4 हो गया, ठीक है, ये 7 45 होता है, तो 7 5 35, 7 4 28 3 15 डिग्री, तो 315 डिग्री आपके बुक में जो है डिग्री में, तो डिग्री में भी याद रखना, तो 315 डिग्री हो गया, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, कोई काम नहीं है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कैसे करना है। तो यहाँ पर जो है आप लिख लो फटाफट से, तो एक्स कॉस 315 डिग्री, ठीक है, और प्लस में वाई साइन 315 डिग्री, ठीक है, और इक्वल ये कितना है 2 रूट 2। तो इस तरीके से जो है हमारे पास इक्वेशन निकल के आ जाएगी, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। तो क्या आप सभी को समझ में आया या नहीं आया बताओ, क्या आप सभी को समझ में आया नहीं आया, तो आपने क्या करना है, मैं फिर से लास्ट में पूरी क्विक रिकैप कर देता हूँ आपको। पहले सबसे पहले एबीसी निकालना है, पी निकालना है, कॉस ओमेगा साइन ओमेगा निकालना है, छोड़ देना थीटा निकाल लेना है, उसका डायग्राम बना के चेक करना कि ओमेगा कहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है, और बस सारा काम खत्म, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं 4। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन दिस, ओके चलो, तो माइनस का 1, 1 आपको लाइन दे रखा है, ये क्या हो गया आपका x1, y1 हो गया, ठीक है, और ये क्या है 12 इंटू पर x प्लस में 6 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस में 2, तो 12x प्लस में 12 6 72, 5y प्लस 5 × 10 माइनस 10, ठीक है, इस तरह से हो गया, तो 12x माइनस में 5y प्लस में 72 प्लस में 10 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, तो 12x माइनस में 5y प्लस में 82 इक्वल टू 0 निकल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ से a कितना आ गया 12, b कितना आ गया माइनस का 5, c कितना आ गया 82, ठीक है। अब डिस्टेंस कैसे निकालते थे, मॉड ऑफ
ए एक्स वन प्लस में बी वाई वन प्लस में सी, ठीक है, अपॉन पे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, कुछ इस तरह के डिस्टेंस निकालते हैं, हाँ है ना, ठीक है। तो बोलो डी कितना गया, डी आ जाएगा अपने पास ए एक्स वन 12 इंटू माइनस वन, तो 12 इंटू पर माइनस का वन प्लस बी कितना है, बी आपका माइनस का पाँच है, इंटू वाई वन कितना है वन है, प्लस सी कितना है, सी आपका 82 है, डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25, ठीक है मोड। तो डी कितना आ जाएगा, माइनस 12 माइनस 5 प्लस में 82 अपॉन में रूट में ये 13 आएगा ना, 13 आएगा रूट से बाहर आ गया, ठीक है। तो डी कितना हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं डी बराबर आ जाएगा 17। एक काम करो, ऐसे करो 12 में 82 से 12 का 70 आएगा, 70 65 65 अपॉन में 13 क्योंकि 5 यूनिट निकलता है, तो 5 यूनिट जो है वो डिस्टेंस होगा। लेट मी चेक द आंसर, मैं आंसर चेक कर लूंगा, यस 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं 5, फिर आपके स्क्रीन के ऊपर हो गया, कह रहे हैं फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर पॉइंट निकालना है, हूज डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज 4 यूनिट, मतलब इस लाइन से इस पॉइंट से डिस्टेंस दे रखा है आपको 4 यूनिट है, तो कह रहा है एक्स के ऊपर वो पॉइंट कौन सा होगा, ठीक है। पर उसको ठीक करो, कितना आएगा 4x प्लस में 3y अपॉन 12 इक्वल 1 हो गया, मतलब इक्वेशन ऐसे आएगी 4x प्लस में 3y इक्वल 12 दे रखा, ठीक है, हो जाएगा 4x प्लस में 3y माइनस का 12 इक्वल 0 निकल के आ गया। ए कितना आ गया बोलो, ए आपका 4 आ गया, बी कितना आ गया, बी आपका 3 आ गया, और सी कितना आ गया, माइनस का 12 निकल के आ गया, ठीक है। डिस्टेंस आपको दे रखा है, डी आपको गिवन है 4 यूनिट, ठीक है। और जो पॉइंट है एक्स एक्सिस से, तो मैं जो पॉइंट माना मैंने एक्स वन कॉमा वाई वन जो है, देखो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो एक्स तो होगा पर वाई जीरो होगा, तो मान लो एक्स कॉमा वाई एक्स कॉमा जीरो जो है मैंने पॉइंट मान लिया इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो वही डी इक्वल टू क्या होता है ए एक्स वन 4 इंटू एक्स, ठीक है, तो 4 इंटू एक्स आ गया प्लस में, ठीक है, बी वाई वन तो 3 इंटू जीरो जीरो हो गया प्लस में सी, सी कितना माइनस का 12, ठीक है 12 अपॉन पे डिवाइड बाय रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, ठीक है, और इसका मॉड होता है, और डी भी गिवन है कितना है, डी आपका 4 मिनट, तो यहाँ पर 4 लगा दो, मॉड हटा तो प्लस माइनस 4 लगाया मैंने, बराबर कितना आ गया 4x माइनस में 12 अपॉन में 5 निकल के आ गया, ठीक है, तो कितना हो गया, एक काम करो 4 काउंट कर लो, 4 हो जाएगा, 4 काउंट कर लो, x माइनस में 3 अपॉन पे 5 निकल के आ गया, है ना, 4 से 4 खत्म, तो प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस में 3 अपॉन में 5 हो जाएगा, ये मतलब लगा दो, प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस में 3 निकल के आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक बार प्लस का 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 और एक बार माइनस का 5 इज इक्वल टू एक्स माइनस में 3, भाई मॉड है ना, तो मॉड को सॉल्व करने के लिए प्लस माइनस 2 लगाना पड़ेगा ना आप लोगों को, तो आएगा 5 प्लस में 3 इज इक्वल टू एक्स निकल के आ गया, यहाँ से एक्स जो है आपका 8 निकल के आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से माइनस का 5 प्लस में 3 इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और यहाँ से एक्स कितना आ गया आपका माइनस का 2 निकल के आ गया, तो माइनस का 2 एंड 8 दोनों आपके आंसर हो सकते, तो पॉइंट क्या होगा 8.0 या फिर 2.0 आपका आंसर निकल के आएगा। बोलो बात समझ आ रही है, नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही होगी, अब हम ठीक है चेक कर ले, यस बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ये आप सभी के स्क्रीन ऊपर गो, क्वेश्चन 6 कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तो वो सेकंड वाला फॉर्मूला, पहला वो है ये, तो दोनों क्वेश्चन लिखता हूं मैं, 15x प्लस में 8y माइनस में 34 इक्वल 0, ये पहला इक्वेशन है, ठीक है, दूसरा क्या है 15x और प्लस में 8y, ठीक है, प्लस में 34, मैंने कहा ना देखो पैरेलल लाइंस में ना ये कॉन्स्टेंट सेम होते हैं, बस कॉन्स्टेंट अलग अलग होते हैं, तो C1 की बात करें आपका माइनस का 34 है, और C2 की बात करें कितना आ गया 31 है, और A कॉमा B तो 15 और 8 दे रखा है, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है अपने पास मॉड ऑफ C1 माइनस में C2 अपॉन पे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो होता है, ठीक है, तो डी कितना आ जाएगा C1 माइनस C2, तो माइनस का 34 माइनस में 31, ठीक है, अपॉन रूट में 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 225 प्लस 64, ठीक है,
तो डी कितना आ गया, माइनस का 65 रूट में 289, ये 17 का होता ना, तो डी कितना आ गया माइनस 65 ऑन 17, नेगेटिव होता नहीं, मॉड लगा हुआ पॉजिटिव देगा, तो डिस्टेंस 65 अपॉन 17 निकल के आ गया। बहुत आसान, मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है, कुछ नहीं है एक चैप्टर, दिमाग ही लगाना, दिया था सब खिचड़ी है, बस खत्म करो, पूरी क्लास 11th है, बताओ ये क्या हो गया, पूरी क्लास 11 जो है बहुत ईजी है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सेकेंड, तो ये देखा एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी इज इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है, वहाँ पे कितना आएगा एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो सी वन कितना आ गया पी के बराबर, सी टू कितना आ गया माइनस आर के बराबर, डिस्टेंस क्या होता है सी वन माइनस में सी टू अपॉन पे रूट पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना, ए भी तो सेम है दोनों इक्वेशन में, तो डी कितना आ गया सी वन माइनस सी टू, तो पी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी प्लस आर अपॉन पे रूट में कितना होगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, तो डी कितना आ गया, डी आ गया पी प्लस में आर अपॉन पे टू एल स्क्वायर रूट पे आ गया, तो डी कितना आ गया पी प्लस में आर अपॉन पे एल रूट टू, तो पी प्लस में आर अपॉन एल रूट टू का मॉड, ये आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है, क्लियर यहां तक, बोलो समझ में आ गया, ठीक है, अभी मॉड क्यों लगाया मैंने, भाई पी और आर कुछ भी हो सकता, मैं नहीं पता, इसलिए मॉड लगाना जरूरी है, नेगेटिव नहीं आएगा, इंतजार है। नेक्स्ट सेवन, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर क्या कह रहे हैं, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू, अब देखो यहां से जो है ना अब सब मिक्स होने वाला है, अब 10.2 का भी इस्तेमाल करेंगे, 10.1 का भी इस्तेमाल करेंगे और 10.3 का भी इस्तेमाल करेंगे, जो 10.3 था जो हमने सीखा था अभी तक वो क्वेश्चन नंबर 6 तक था, लेकिन अब जो क्वेश्चन आने वाले उसमें हम लोग प्रॉपर पुराने जो चीजें थी जो हमने सीखा था उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, चल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, ठीक है, तुम्हारे पास क्या है गिवन लाइन पैरेलल, ठीक है, ओके, एंड पासिंग थ्रू दिस, ठीक है भाई, थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको क्या कहना चाह रहा है, मान लो एक लाइन ये दे रखा है और एक लाइन पैरेलल ये है, इस लाइन की क्वेश्चन दी हुई है आपको 3x माइनस में 4y प्लस में 2 इक्वल टू 0, ठीक है, ये जो लाइन है वो पास कर रहा है माइनस 2,3 से, इसकी क्वेश्चन लिखनी, इसकी क्वेश्चन क्या होगी पूछ रहा है, इसकी क्वेश्चन क्या होगी पूछ रहा है, तो किसी की लाइन की क्वेश्चन कैसे निकाल सकते हैं, 10.2 में आ जाओ, अगर आपको एक पासिंग पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो, इसका स्लोप निकाला जा सकता है क्या, अगर मुझे इसका स्लोप पता चल जाए ना तो पासिंग पॉइंट तो दे रखा है भाई, स्लोप पता चल जाए पासिंग पॉइंट दे रखा है, इक्वेशन क्या होता है वो होता है वाई माइनस में वाई वन इज इक्वल टू स्लोप पता चल जाए तो एक्स माइनस एक्स वन, इसका इस्तेमाल करके मैं जो है इसकी इक्वेशन निकाल सकता हूं, ठीक है, तो मेरे पास एक्स वन वाई वन तो है, मेरे पास x1 पासिंग पॉइंट तो मिल गया, अब स्लोप कैसे निकलेगा, तो अब मैंने आपको बताया था याद होगा स्टार्टिंग में, अगर दो लाइन पैरेलल हो तो उनका स्लोप बराबर होता है, अच्छा इसका स्लोप बता सकते हैं क्या, किसी भी इक्वेशन से हम स्लोप बता सकते हैं क्या, बिल्कुल बता सकते हैं, अभी सीखा हमने, पता कैसे बताएंगे, यहां पर आ जाओ, कितना देखा ये, तो ये देगा 4y इक्वल टू देगा 3x प्लस 2, 3x प्लस में 2 निकल के आ गया भाई, 4y 3x प्लस 2 आ गया, y को अगला छोड़ो कितना आ गया 3 अपॉन 4 इंटू एक्स प्लस में 2 अपॉन 4 निकल के आ गया, अगर कंपेयर करूंगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से तो स्लोप कितना आ गया, स्लोप आपका 3 अपॉन 4 और दोनों का स्लोप बराबर होगा, तो स्लोप भी पचल गया भाई, तो स्लोप जो है हमारे पास कितना आ गया 3 अपॉन में 4 निकल के आ गया, तो इस तरीके से इक्वेशन अगर दे रखी होगी तो वहां से भी आप स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है, क्लियर है, आइए इक्वेशन निकालते हैं आराम से बैठ के, तो वाई माइनस वाई वन 3 है, स्लोप आपका 3 अपॉन 4 हो गया और इंटू एक्स माइनस में एक्स वन 2 निकल के आ गया, ठीक है, क्रॉस करो 4y माइनस 4 3 12 इक्वल टू 3x प्लस में 3 दूनी 6 निकल के आ गया, ठीक है, सबको उस तरफ 3x माइनस में 4y और प्लस में 6 प्लस में 12 इक्वल टू 0 निकल के आ गया, तो हो जाएगा 3x माइनस में 4y और प्लस में 18 इक्वल टू 0 निकल के आ गया, दिस इज योर इक्वेशन, तो अब आपको कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, 3x माइनस 4y प्लस 18 जो है आपका 0 निकल के आएगा, ठीक है, अच्छा इस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना मुझे बताना, इस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करो मुझे बताना, ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 8, क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 3, ओके ओके ओके, देखो मैंने ना मस्त मस्त क्वेश्चन देना शुरू कर दिया, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट, एक्स की वैल्यू आपको 3 दे रखी है ना, चलो करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम बना के देखते हैं क्या इसका मतलब, ठीक है, मान लो ऐसे, ठीक है, ऐसे थोड़ा समझा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको
तो डायग्राम बनाता है तो इजी होता है, बच्चों ने कहा डायग्राम बनाते तो काफी अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो वही बता रहा हूँ ठीक है। तो कुछ मान लो इस तरीके होगा ठीक है, तो एक्स इंटरसेप्ट दे रहा कितना 3, तो ये पॉइंट 3.0 हो गया, पासिंग पॉइंट मिल गया, और ये लाइन जो है एक लाइन परपेंडिकुलर भी है ऐसे इस तरीके से, और इस लाइन की क्वेश्चन क्या दी हुई है x माइनस में 7y प्लस में 5=0 ठीक है। अगेन वही वाली बात, मुझे इसकी क्वेश्चन निकालनी है, इसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है, कैसे निकालूंगा देखो, अगर मुझे इस लाइन की क्वेश्चन निकालनी है तो मेरे को पासिंग पॉइंट चाहिए था, एक पासिंग पॉइंट तो मिल गया, अब उसका स्लोप निकल जाए बस तो काम बन जाएगा। अच्छा स्लोप कैसे निकाले, इसका स्लोप निकाल सकता हूँ क्या मैं, निकाल सकता हूँ इक्वेशन से, तो m1 m2 माइनस 1 होता नहीं होता, तो मान लो उसका स्लोप m1 है और उसका स्लोप m2 है, तो m1 कितना पहले निकाल लेते ना, यहां से देखो तो 7y कितना आ गया आपका x प्लस 5 आ गया, तो y कितना आ गया 1/7 × x + 5/7 ठीक है। तो हम कह सकते हैं m1 जो है आपका स्लोप m1 कितना आ गया 1/7 निकल के आ गया, हमें पता है m1 into m2 क्या होता है, वो आपका माइनस का 1 होता है, सारी बातें पता होंगी तो ही कर पाओगे ना, बताओ इंटू एम टू निकालना है ठीक है, तो इसका एम टू जो है आपका वो माइनस का 7 निकल के आ जाएगा, तो स्लोप मिल गया, अब स्लोप मिल गया, पासिंग पॉइंट पता है तो क्या जल्दी है निकालना, ये तो स्लोप यहाँ लिख रहा हूँ, स्लोप कितना आ गया माइनस का 7, तो पासिंग पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन कैसे लिखते हैं अभी बताया था मैंने, लिखते हैं वाई माइनस में वाई वन इज इक्वल टू एक्स इंटू पर एक्स माइनस में नॉट एक्स, एम इंटू पर एक्स माइनस में एक्स वन ठीक है, तो वाई माइनस वाई वन तो आपका 0 है, एम आपका कितना आ गया माइनस का 7 निकल के आ गया, x माइनस एक्स वन कितना आपका 3 निकल के आ चुका ठीक है ओके, तो y इज इक्वल हो गया माइनस का 7x प्लस में 21 हो जाएगा, तो इधर आएगा 7x प्लस में y माइनस में 21 इक्वल टू 0, तो ये आ गया उस लाइन की इक्वेशन, बुलवा समझाई, तो आसान है, मैंने कहा ना अगर आपको पता है तो सारी बातें आसान है, और आई होप मेरी तरह आप भी जो है क्वेश्चन को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता होगा तो बहुत मजा आएगा, डायग्राम बना के चेक कर सकते हो, देखो वैसे मैं कहूंगा आधा डालो डायग्राम ना बनाने की, थोड़ा विजुलाइज करना सीखो, माइंड भी शार्प होगा और टाइम भी बचेगा, क्योंकि अगर आप हर क्वेश्चन का डायग्राम बनाने लग गए ना तो डायग्राम बनाते बनाने के कम से 1-2 मिनट तो आपको यहाँ वेस्ट हो जाएगा डायग्राम पे, तो मैंने चाहता आपका डायग्राम वेस्ट हुआ, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा जो कि नहीं समझ आ रहा बहुत ज्यादा तो फिर आप डायग्राम का इस्तेमाल करना, मतलब आदत बनाओ अपनी ऐसे कि बिना डायग्राम के सोच सको ठीक है, दिमाग में चलो इसको हटाओ, मतलब पहले सोच लोगे परपेंडिकुलर है तो स्लोप आ जाएगा यहाँ से, और इंटरसेप्ट दे रखा है तो एक्स और वाई की वैल्यू चलेगी, चलो नेक्स्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू लाइन, इन दो लाइन के जो एंगल निकालना, ये दो लाइन है इनके जो हमें क्या निकालना है एंगल निकालना, अब देखो 10 पॉइंट ये 1 में बताया गया था एंगल कैसे निकालते हैं, तो टेन थीटा क्या होता था याद है कुछ, वो होता था कि m2 माइनस में क्या था मैं भूल गया m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस में m1 m2 शायद यही था ठीक है, ये होता था, अब यहां से स्लोप निकालो, यहां स्लोप निकालो, यहां से कितना आएगा देखो, यहाँ से इस वाले क्वेश्चन आ जाओ, तो इस वाले क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे तो y कितना आ गया माइनस का √3x ठीक है, y कितना आ गया माइनस का √3x प्लस में 1 ठीक है, तो y आ गया अपने पास ठीक है, कंपेयर करूँगा तो यहाँ, अरे यार, अरे कंपेयर करूँगा तो स्लोप जो है अपने पास m1 माइनस का √3 निकल के आ गया ठीक है, क्लियर है, इधर आ जाओ √3y इज इक्वल टू माइनस का x प्लस में 1 है, तो यहाँ से y कितना आ गया माइनस का 1/√3x प्लस में 1, यहाँ पर देखूंगा तो स्लोप कितना आ गया m2 जो है वो माइनस का 1/√3 निकल के आ गया ठीक है, तो m1 ही पता चल गया और m2 भी मेरे को पता चल गया, m1 भी माइनस का √3 आया है और दूसरा वाला भी आपका माइनस का जो है निकल गया ठीक है, तक दोनों स्लोप निकल गया, इसे पुट करते हैं तो tan थीटा m2 कितना है माइनस 1/√3 ठीक है, m1 कितना है माइनस 1 प्लस में √3 अपॉन 1 प्लस में m1 m2 मुझे लगा तो कितना आ गया 1 आएगा नहीं ठीक है, 1 निकल के आ गया ठीक है, तो tan थीटा कितना आ जाएगा मोड ऑफ माइनस का 1 प्लस में 3 अपॉन पे √2√3 आ गया ठीक है, तो आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 2 आ गया अपॉन में 2√3 खत्म, तो tan थीटा जो है आपका 1/√3 आ गया, और tan 1/√3 का तब थीटा आपका 30 डिग्री होता है, तो एंगल कितना आ गया दोनों के बीच में एंगल 30 डिग्री बन रहा है ठीक है, तो एंगल जो है आपका 30 डिग्री बन रहा है, ध्यान सुनो सुनो आपका एंगल, अब एक चीज आपको तो बताता हूं, एक चीज आपको बताता हूं मैं ठीक है, अगर दो लाइन के बीच में एंगल आपका दो एंगल बनते हैं, एक तो ये वाला एंगल बनता है
थीटा और ये वाला एंगल फाइव, बता था मैंने आपको। तो अगर थीटा 30 है तो फाइव कितना हो जाएगा, दूसरा एक वाला एंगल कितना हो जाएगा आपको 150 हो जाएगा। तो दोनों एंगल लिखना पड़ेगा आपको भाई, ये तो 30 निकाल दिया आपने तो एंगल ये भी तो होता है, तो 30 कौन दो एंगल होंगे, 30 भी बनेगा और 150 बनेगा, दोनों जोड़ने पर 180 बनेगा। तो आंसर करते हैं 30 और 150 बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 10, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इंटरसेक्ट द दिस एट राइट एंगल, ठीक है। इन दोनों जो पास, इन दोनों पे पास कर रहा है इंटर, ठीक है ठीक है, मैं डायग्राम बनाता हूँ, डायग्राम बनाता हूँ कुछ ऐसा। तो ऐसे ऐसा है, ठीक है, समझो क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर देखा था 7h, 3 h, 3 ठीक है, और ये 4, 1 ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा राइट एंगल पे इस वाली इक्वेशन लाइन पे, जो कि है 7x - 9y - 19, ठीक है। फाइंड द एच के लिए निकालनी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर दोनों परपेंडिकुलर हैं तो हमने एक चीज सीखा है, m1 × m2 जो है -1 के बराबर होता है, ठीक है। मान लो उसका स्लोप m1 है, उसका m2 है, m1 निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, दो पॉइंट से पास कर रहा हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं m1, तो m1 हमारे पास आ जाएगा 1 - 3/4 - h, ठीक है, m1 आ गया। m2 निकाल सकता हूं क्या मैं, m2 देखो यहां पर आ जाओ, इक्वेशन क्या है, 9y = 7x - 19, y कितना आ गया 7/9 × x - 19/9, तो स्लोप कितना आ गया पर 7/9, तो m2 जो कितना गया 7/9 निकल के आ गया। दोनों को मिलाकर माइनस 1 आना चाहिए ना, तो देखा 1 - 3/4 - h, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 7/9, ये -1 के बराबर निकल के आ गया, ठीक है, क्लियर यहां तक, क्लियर है, ठीक है। कितना आएगा 1 - 3/7, ठीक है, और बराबर में माइनस का 9 × 4 - h, तो यह कितना -14 ना, माइनस का 9 × 4 - h, ठीक है, खत्म हो गया, तो 14/9, ठीक है, = 4 - h, तो h कितना आ गया 4 - 14/9 निकल के आ गया 36, 36 - 14/9 निकल के आ गया, h कितना आ गया 22/9 जो है आपका h निकल के आ जाएगा, ठीक है, 22/9, लेट मी चेक द आंसर, 22/9, अरे भैया यस बिल्कुल सही है, 22/9 इज द राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है तक, क्लियर है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 11, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, गो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, प्रूफ दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू दिस इज इतना होगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देखने के तरह लग रहा है हैवान सा क्वेश्चन, लेकिन बहुत उतना ही आसान होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला इसने कि प्रूफ कीजिए, क्या प्रूफ करना है, लाइन पास थ्रू दिस पॉइंट, तो थोड़ा सा डायग्राम बनाया था मैं आपको, थोड़ा अच्छा लगेगा है ना, और एक लाइन और बनाते हैं, ठीक है, जो कि इसके पैरेलल है इस तरीके से। तो ये जो लाइन है वो पास कर रहा है हमारे पास x1, y1 से, ठीक है, यहाँ तक, और इस लाइन के जो है वो पैरेलल है ax + by और + c = 0 के पैरेलल दे रखा है, ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, अगर ये इसके पैरेलल होगा, इसका मतलब इसका और इसका स्लोप बराबर होगा, भाई एक पासिंग पॉइंट तो मुझे मिल चुका है, स्लोप और मिल जाए, तो यहाँ स्लोप निकाल लेते हैं, तो by = -ax - c हो जाएगा, तो y कितना हो गया -a/b × x - c/b निकल के आ गया, तो स्लोप कितना आ गया, हम बात कर सकते हैं स्लोप जो है हमारे पास वो -a/b निकल के आ जाएगा, और पासिंग पॉइंट हमें दे रखा है। तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इक्वेशन कैसे निकालते हैं, सारे बच्चे बताएंगे फटाफट से, y - y1 = जाएगा m × x - x1, ऐसे निकाला जाता है, सब चीज पता होना चाहिए, y - y1 आपका y1 ही है, और स्लोप आपका -a/b निकल के आएगा, और x - आपका x1 ही निकल के आएगा, ठीक है। तो b × y - y1 = कितना जाएगा -a, और x - x1 निकल के आ जाएगा, ठीक है, ये जाएगा a × x - x1 + b × y - y1 = कितना आ गया 0 के बराबर निकल के आएगा, और यही हमें प्रूफ करना था, और हैंस प्रूफ हो गया, ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा आसान भी था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 11 और 12, ये आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है,
करेक्ट टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. ठीक है, दो लाइन है इस पॉइंट से पास कर रहे हैं. इफ स्लोप ऑफ वन लाइन, एक लाइन का स्लोप अगर 2 है तो इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, दूसरे लाइन की इक्वेशन क्या होगी. मैं थोड़ा सा आपको बताया तो कैसे है इसका मतलब. मान लो अपने पास एक ये है, ठीक है, और एक ये है, ठीक है, इस तरीके से दो लाइन दे रखे है ना. अब इन दो लाइन के बीच जो एंगल है, दो लाइन जो एंगल है वो कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री दे रखा है. कितना रखा है, 60 डिग्री दे रखा है. और दोनों पॉइंट जो इस लाइन से पास कर रहे हैं, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट दे रखा है दोनों, कितना, और 2.3 दे रखा है. ठीक है, और कह रहा है इनमें से एक लाइन, इफ द स्लोप ऑफ वन लाइन, पहले लाइन का स्लोप जो है अगर 2 दे रखा है, तो मान लो हमारे पास क्या ये जो M1 है वो M1 आपको 2 दे रखा है इस तरीके से. तो बताओ हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है. अगर इस लाइन की मुझे इक्वेशन निकालनी है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो इसका मुझे क्या पता होना चाहिए, मुझे इसका स्लोप पता होना चाहिए पहली बात तो. क्योंकि स्लोप अगर पता चल जाए तो पासिंग पॉइंट तो मेरे पास 2.3 दे रखा तो निकल जाएगा. अब स्लोप कैसे निकालें, उसके लिए एक मददगार चीज़ क्या दे रखी है, एंगल दे रखा है. तो हमें कहीं ना कहीं पता है, क्या पता है हमें, कि टेन थीटा क्या होता है, बोलो टेन थीटा जो है हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ M2 माइनस में M1, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस में M1 M2, ये होता है, हाँ है ना, ठीक है. टेन थीटा, टेन सिक्सटी इक्वल कितना हो गया, M2 कितना अपने पास हमें नहीं पता, M2 हमें नहीं पता, तो M2 को मैं जो है मैंने M मान लेते हैं, ठीक है, माइनस में M1 2 दे रखा आपके पास, अपॉन पे 1 प्लस में M1 M2, तो 2M निकल गया इस तरीके, ठीक है. अब 1060 कितना होता है, रूट 3 होता, तो प्लस माइनस रूट 3 मॉड को हटाने के लिए इक्वल आ गया M माइनस में 2 अपॉन पे 1 प्लस में 2M निकल के आ जाएगा, ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई दो वैल्यू आएगी एम की यहाँ पर, ठीक है, मैं प्लस रूट 3 ले रहा हूँ, तो प्लस का रूट 3 लिया मैंने, कितना आ गया M माइनस में 2 अपॉन पे 1 प्लस में 2M निकल के आ गया, ठीक है. तो क्रॉस कर रहा हूँ यहाँ पर मैं, तो इसको डाल रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ, तो हो जाएगा तो रूट 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 2M है ना, और इज इक्वल टू M माइनस में 2 निकल के आ गया, ठीक है, यहाँ तक ओके. तो रूट 3 प्लस में 2 रूट 3 M इज इक्वल टू M और माइनस में 2 निकल के आ गया रूट वाला एक तरफ, तो 2 रूट 3 M माइनस में M इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का रूट 3 हो जाएगा, ठीक है. तो हम कितना आ गया, M कॉमन कर लो है ना, M क्या कर लो, कॉमन कर लो, तो कितना आएगा हमारे पास 2 रूट 3 माइनस में 1 इज इक्वल हो जाएगा माइनस का 2 माइनस में रूट 3, ठीक है. तो यहाँ से M कितना आ गया, M आ गया अपने पास माइनस का 2 माइनस में रूट 3 अपॉन पे 2 रूट 3 माइनस में 1. तो आपका M का पहली वैल्यू ये निकल के आ गई, ठीक है, M की एक वैल्यू निकल के आ गई. तो एक काम करते हैं इस वैल्यू को M की तो एक काम करते हैं M की इस वैल्यू को हम लोग एक काम करते हैं यहाँ लगा दो, नहीं इधर को, तो एक आपका M ये निकल के आ गया, उसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं. तो ये और एक बार क्या करते हैं, माइनस का 3 लेते हैं, एक बार क्या करते हैं, माइनस का रूट 3 लेते हैं, तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा माइनस का रूट 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में 2m, ठीक है, और बराबर में कितना आ गया, m माइनस में 2 निकल के आ जाएगा. तो हो जाएगा माइनस का रूट 3 माइनस में 2 रूट 3 m इज इक्वल टू m माइनस में 2 निकल के आ गया. तो ये इधर आ गया 2, तो 2 माइनस में रूट 3 इज इक्वल कितना हो गया, m प्लस में 2 रूट 3 m निकल के आ गया है ना. तो हम बोलते हैं m कॉमन कर लो, तो 1 प्लस में 2 रूट में 3 इज इक्वल टू जाएगा 2 माइनस में रूट में 3 निकल के आ गया. तो m की जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो अगर 2 माइनस में रूट 3 अपॉन पे 1 प्लस में 2 रूट 3 निकल के आ गया. तो एक बार प्लस में आएगा, एक बार माइनस में निकल के आ गया. तो दो वैल्यू हमने निकाल दी, ठीक है, इस वाले m को भी हम लोग साइड में कर देते हैं, इधर दोनों हमने निकाल लिया. तो हमें m पता चल गया, दो m निकले, दोनों m पता चल गया हमें. अब m पता है और पासिंग पॉइंट पता है, इक्वेशन निकालना बहुत आसान दिखने भले ही हो ये है वाला, लेकिन है बहुत आसान, ठीक है. चलो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, एक ही क्वेश्चन निकालू मैं, y माइनस वाई वन कितना है 3 इज इक्वल टू m, ये वाला लेते हैं 2 माइनस में रूट 3 अपॉन पे 1 प्लस में 2 रूट 3, ये आपका m हो गया, इनटू x माइनस में x1 कितना 2 दे रखा है, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, तो 1 प्लस में 2 रूट 3 मल्टीप्लाई बाय वाई, ठीक है, y माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में 2 रूट 3, इसकी मल्टीप्लाई से इसकी मल्टीप्लाई से, ठीक है, वह कितना आ गया ऐसी, तो 2 माइनस में रूट 3 इंटू पर x आ गया, ठीक है, और माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस में रूट 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. सॉल्व करो, इसको नीड नहीं ओपन करने की, तो 1 प्लस में 2 रूट 3 इंटू पर y हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 3 माइनस में 6 रूट में 3 इज इक्वल कितना हो गया, 2 माइनस में रूट 3 इंटू पर x जो है आपका माइनस माइनस 4 माइनस प्लस 2 रूट 3 माइनस 4 प्लस में 2 रूट 3, ठीक है. अब एक काम करते हैं, सबको उधर लेके जा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो 2 माइनस में रूट 3 इंटू पर x आ गया, ठीक है, माइनस में 1 प्लस में 2 रूट 3 इंटू पर y निकल के आ गया,
माइनस का 4 प्लस में 3 और प्लस में 2 रूट में 3 प्लस में 6 रूट में 3 निकल के आ गया। तो ये तो फाइनल इक्वेशन लिखो कितना निकल गया, तो 2 माइनस में रूट 3 एक्स हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 1 प्लस में 2 रूट में 3 इंटू वाई हो जाएगा और माइनस में 1 और प्लस में 8 रूट 3 निकल के इक्वल टू 0। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन निकल गया, ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। तो दिखने भले बहुत डेंजर सा लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन ये स्टेप देखो कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट आपका वही है। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, ठीक है, तो 1 माइनस 1 प्लस 8 रूट 3 बिल्कुल सही है, 1 प्लस 2 रूट 3 ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका आंसर इस तरह से निकल के आ जाएगा। तो सेकंड जो है आप खुद से सेम इसी तरीके से आप जो इसका इस्तेमाल करके भी m को निकाल सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 13। ये आपके स्क्रीन के ऊपर गो 13 क्या बोल रहा है, 13 बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, ठीक है, ठीक है। तो क्या बोलते हो, ये अपने पास एक लाइन है ना, और एक ऐसे हो गया, ठीक है ना, तो ये कह रहा है 3, 4 है ना, और इधर देखा आपका माइनस का 1, 2 ठीक है, और ये बायसेक्टर है, मतलब ये ए है, बी है, और ये पॉइंट सी जो है वो बायसेक्ट कर रहा है, ये इसके बराबर है, ठीक है। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखने कितनी होगी, अब वही वाली बात, इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चीज़ चाहिए, पासिंग पॉइंट और स्लोप। स्लोप जो है मैं निकाल सकता हूँ, इनका स्लोप, इसकी और इसकी मदद से मैं स्लोप निकाल लूंगा, m1 m2 -1 इसका स्लोप निकल जाएगा, ठीक है। पासिंग पॉइंट कैसे निकलेगा, अब सी क्या मिड पॉइंट है, अब मिड पॉइंट निकालना बहुत आसान है, किससे निकालते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला से बता रखा है, बोलो कितना आएगा सी का। तो सी की अगर बात करूँ एक्स कॉमा वाई की है ना, तो कितना आएगा 3 -1/2 और कॉमा 4 + 2/2, ये तो निकल के आ गया, ठीक है। तो सी एक्स कॉमा वाई की अगर मैं बात करूँ तो कितना आ गया, 3 में से 1 गया 2, ये आएगा 1, 3 निकल के आ गया। तो 1, 3 जो है आपका पासिंग पॉइंट निकल के आ गया। स्लोप की बात करते हैं, स्लोप की, इसको अगर मान लो मैंने m1 माना है, इसका स्लोप जो है मैंने अगर m2 माना है, तो m1 कितना आएगा, बोलो m1 आ गया अपने पास -1 -3/2 -4 निकल के आ गया, क्योंकि -4/2 जो कि आपका +2 निकल के आ गया, ठीक है, यहाँ तक -1 -3 गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो गया, फॉर्मूला क्या होता है y2 -1 ना, तो m1 आ गया y2 -1, तो 2 -4/(-1, -3) तो -2/-4 जो कि 1/2 निकल के आ गया। तो m1 आपका 1/2 निकल के आ गया। अब m2 निकालना बहुत आसान है, हमें पता है क्या, m1 × m2 कितना होता है, -1 होता है ना, m1 हमें पता चल गया 1/2 है, और m2 हमें नहीं पता और -1 आ गया, तो m2 जो है वो -2 निकल के आ जाएगा। m2 कितना आ गया, -2, तो स्लोप भी आ गया और पासिंग पॉइंट हमें पता ही, ये वाला पासिंग पॉइंट है। तो इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन कैसे लिखते हैं, बोलो लिखते हैं y − y1 = m × x − x1 निकल के आ गया, ठीक है। तो y − y1 कितना है 3, तो y − 3 = m − 2 है, x − x1 1 निकल के आ गया, तो y − 3 = -2x + 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 2x + y − 3 − 2 = 0 हो जाएगा, 2x + y − 5 = 0, तो ये जो है आपको इक्वेशन निकल के आ जाएगी, बहुत ही आसान है, ठीक है। लेट मी चेक द आंसर, क्या ये 2x + 3y = बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं 14, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर क्या कह रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट, ये भाई साहब दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, इसको नोट कर लेना आपके एग्जाम में, गारंटेड क्वेश्चन है ये, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और सेम ऐसा क्वेश्चन आपको क्लास 12th में मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन क्लास 12th में मिलता है। क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट, ये से याद कर लो, फुट ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे आएगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये हमेशा इस तरीके से आएगा, फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या बोला उसने, फाइंड द कोऑर्डिनेट, इक्वेशन नहीं निकालनी, इक्वेशन बोलता तो आसान था, इक्वेशन नहीं निकाली, कोऑर्डिनेट निकाला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द लाइन दिस, ठीक है, ओके। तो हमारे पास क्या एक लाइन है, एक लाइन अपने पास है, ठीक है, और एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट मान लो, ये पॉइंट दिया हुआ है -1, 3, ठीक, क्लियर यहाँ तक, समझ में आया सबको, ठीक है। ये लाइन दे रहा कितना, 3x − 4y − 16 = 0, ये पॉइंट है, ठीक है। अब मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने, ये जो है ना, इसको इसको नाम देते ए बी, मुझे बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो निकालने, ए कॉमा बी मानते हैं, ये मुझे ए कॉम बी जो है बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट से एक लाइन के ऊपर, इस लाइन की क्वेश्चन ये, इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींचा जा रहा है, तो मुझे बताओ कि क्या क्या हिसाब किताब बनेगा, ठीक है। अब कैसे कैसे करना है इसको ध्यान सुनना, ठीक है। सबसे पहली चीज, एक बार बताओ,
अब मैंने एक और भी अगर माना इसको मैंने, तो ये लाइन की क्वेश्चन ये है और ये पॉइंट इसके बीच में आ रहा है, तो ये एक और इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब कितना आएगा इक्वेशन 3a माइनस 4b इज इक्वल टू 16। पहले क्वेश्चन ये बने कि हाँ या ना, इतना मुझे बताओ पहले क्वेश्चन कैसे मैं भाई पास कर रहा हूँ। अब अगर मैं इसके स्लोप की बात करूँ तो 4y इज इक्वल टू कितना 3x माइनस 16, तो y कितना आ गया 3 अपॉन पे 4x माइनस 16 अपॉन 4, तो स्लोप जो है इसका 3 अपॉन 4 आ गया। इसका स्लोप अगर मैं m1 मान लूँ, इसका स्लोप अगर मैं m2 मान लूँ, तो आपका जो m1 है वो आपका कितना आ गया 3 अपॉन पे 4 निकल के आ गया। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अच्छा ये बताओ इसका स्लोप कैसे निकालोगे? इसका स्लोप तो कितना आएगा हमारे पास 3 माइनस में बी, 3 माइनस बी अपॉन पे माइनस 1 माइनस ए, ठीक है, इंटू इसका स्लोप 3 अपॉन 4 है, ये आपका माइनस 1 के बराबर होगा, ये भी आपको पता चल चुका होगा। ठीक है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस कॉमन कर लो, ये ऐसा आएगा। ठीक है, तो सी हो जाएगा 9 माइनस में 3 बी इज इक्वल टू माइनस प्लस प्लस हो गया 4 और प्लस में 4 ए। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या आ गई 4 ए प्लस में 3 बी इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2 निकल के आ गई भाई। खत्म क्वेश्चन, खत्म, हमें ए और बी में दो इक्वेशन पर चल गई, बात ही खत्म हो गया है ना। अब दोनों को सॉल्व कर तो काम खत्म हो गया, एक मैंने स्लोप से निकाला, एक मैंने इसी को पास करा दिया, चलो दोनों को इक्वेट करके निकालते हैं आंसर। ठीक है, क्या है 3 ए, एक काम करो यार दो दो बार क्यों लिखना, एक ही क्वेश्चन हो गई। ठीक है, दो ही क्वेश्चन हो गई, दोनों को सॉल्व कर देते, सॉल्व नहीं कर पाएंगे, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, चाहते हैं 12 ए माइनस 4 16 बी 64। ठीक है, तो चाहते हैं 12 ए 3 3 9 बी 15। ठीक है, माइनस 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 ये खत्म हो गया, माइनस का 25 बी 9 49। ठीक है, कैसा आंसर है, बी आ गया 49 माइनस 49 अपॉन 25, बी जो है माइनस का 49 अपॉन 25 आया। एक बार मैं बी चेक कर लूँ, फिर ए निकालेंगे, अरे वाह सही है, बी निकल के आ चुका है, बी निकल के आ चुका है, अब किसी में पुट कर दो ए निकल जाएगा। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में तो बहुत आसान तरीके से बताया मैंने, तो 3a माइनस का 4b, b कितना है माइनस का प्लस हो गया 4 इंटू पर 49 अपॉन पे 25 इक्वल 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 3a कितना आ गया 4936, तो 4 चौक 16 3 19 अपॉन पे 25 इक्वल 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 3a कितना आ जाएगा 16 माइनस पे 196 अपॉन पे 25। ठीक है, तो 3a कितना आ गया 25 इंटू 16 कितना आता है 180। ये ना एक काम करते हैं, मैं ना उससे करता हूँ, 400 होता भैया 400, 400 माइनस है 196 अपॉन 25, तो 3 कितना आ गया अपने पास 4 0 है ना, और फिर 204 नीचे आ जाएगा, ए आ जाएगा 204 बटे पर 3 मल्टीप्लाई 25, 3 6 8 68, तो ए आ गया 68 अपॉन 25। तो जो फुट के कोऑर्डिनेट्स थे ये आपके निकल, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को काफ़ी इंपॉर्टेंट माने करना, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे फुट के, ए कॉम बी जो है आपका आ जाएगा 68 अपॉन पे 25 कॉमा माइनस पे 49 अपॉन पे 25। दिस इज योर आंसर, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, आना भी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, 15 क्या कह रहे हैं, 15 क्या बोल रहे हैं, 15 क्या बोल रहे हैं, 15 कह रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन दिस मीट इट एट पॉइंट दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ एमएनसी। बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चन देखे यार, आई लव मैथ, सीरियसली आई लव मैथ। तो कुछ नहीं करना होता, डायग्राम बनाओ, कॉन्सेप्ट पता है, एंजॉय करो, खेलना होता, कुछ नहीं करना होता, तुमसे रटना तो नहीं है साइंस की तरह। ओके, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना, तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, मर्जी है कुछ भी कर सकते, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू वाई एक्स प्लस सी मीट इट एट पॉइंट। ठीक है, तो इसको एक काम करो, ऐसे मान लो, ठीक है, इस तरीके से, तो ये क्वेश्चन क्या देखिए आपका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दे रखा है। ठीक है,
परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से परपेंडिकुलर, ठीक है, ओरिजिन है 0,0, ठीक है, कहां मीट कर रहा है, -1,2 पे मीट कर रहा है, ये वाला पॉइंट आपका -1,2 दे रखा है। कह रहा फाइंड द वैल्यू एम एन सी, एम और सी निकालना है, ठीक है, एम और सी निकालना है, एम और सी निकालना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, निकाल लें कैसे निकालेंगे, ठीक है, एक काम करते हैं, पहले हम स्लोप को टारगेट करते हैं, एम को टारगेट करते हैं, इस लाइन का स्लोप हम निकाल सकते हैं, कैसे, इसका स्लोप निकल जाएगा, एम वन एम टू माइनस वन होता है, ये परपेंडिकुलर, तो एक काम करते हैं, इसके स्लोप को मैं एम वन नाम देता हूं, और इसका स्लोप तो एम वन है, ठीक है, और ये आपका एम टू है, तो हमारे पास एम वन कितना हो जाएगा, तो एम वन आपका हो जाएगा 2 -1 0 अपॉन पे -1 0, तो माइनस का 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है, क्लियर यहां तक, ठीक, अब एम वन एम टू माइनस का 1 होता है, तो एम वन माइनस का 2, एम टू कितना है आपका, एम है इक्वल टू माइनस का 1 आ गया, इससे खत्म हो गया, एम जो है आपका 1/2 आ गया, तो स्लोप तो मैंने 1/2 निकाल लिया, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल भी कोई दिक्कत की नहीं। अब ध्यान सुनिए एक बात, क्या सुनना है कि अब ये लाइन है y = x + c, ये इस पॉइंट से पास कर उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, बहुत सिंपल है, सेटिस्फाई करना चाहिए, सेटिस्फाई करा दो, तो y कितना देखा है 2, m कितना है 1/2 * x कितना है -1 + c, तो 2 - 1 -1/2 = c हो जाएगा, तो 2 + 1/2 c के बराबर हो जाएगा, नीचे 1 लगाओ, तो 4 + 1/2 = c हो जाएगा, और c कितना आ गया 5/2, तो 5/2 c आ गया, और स्लोप जो है आपका 1/2 निकल के आ गया, तो जब भी कोई लाइन किसी पॉइंट से पास करता है उसको सेटिस्फाई कराना बहुत जरूरी है, और आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 16 आपके स्क्रीन के ऊपर, वो कह रहा है इफ p एंड q आर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइंस दिस एंड दिस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें जो भी मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ वो उसको ध्यान सीरियसली लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत 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 बार पूछे गए, इसलिए मैंने यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, ठीक है, सुनेंगे ध्यान से, इफ पी एंड क्यू आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइंस दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट पी स्क्वायर प्लस 4q² = k² में प्रूव करना है, ओके 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 ओके, देखो ध्यान से, सुनो सुनो मैं आपको समझाता हूँ, एक डायग्राम बनाकर बताता हूँ, ठीक है, एक डायग्राम बना के, ठीक है, ध्यान रखना, तो ओरिजिन से, ठीक है, परपेंडिकुलर जो है मुझे मिल गया, ये आपको पी दे रखा है, और ये पॉइंट क्या है 0,0 कि, और ये लाइन की इक्वेशन कितनी है, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू के कॉस 2θ है, ठीक है, ये इसको ठीक करो थोड़ा सा, इधर लेके आ जाओ, माइनस का के कॉस 2θ, ठीक है, ये दे रखा है इक्वल टू 0। अब किसी पॉइंट से किसी लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी दे रखा है, और पासिंग किसी पॉइंट, ये आपका एक्स वन कॉमा वाई वन हो गया, भाई सिखाया था पॉइंट से लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकाला था, डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो डी का फॉर्मूला क्या लिखवा था मैंने, डी होता है मॉड ऑफ, क्या लिखवा था मैंने, ए एक्स वन प्लस में बी वाई वन प्लस में सी अपॉन पे रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है, हाँ है ना, यही होता है, ठीक है, चलो तो फटाफट से करते हैं, यहां बात करूं मैं, कंपेयर करूं, ए कितना आ गया कॉस थीटा, बी कितना आ गया माइनस का साइन थीटा, और सी कितना है माइनस का के कॉस 2θ है, ठीक है, तो इसी का इस्तेमाल जो यहां पर मैं करने वाला हूं, तो डी कितना देखा, डिस्टेंस आपको पी दे रखा है, ठीक है, तो पी निकालते पहले, तो पी बराबर में मॉड ऑफ ए एक्स वन कॉस थीटा इंटू जीरो, तो जीरो ही हो गया प्लस बी वाई वन, बी कितना 0 इंटू साइन थीटा, जीरो ही हो गया, ठीक है, और सी कितना है माइनस का के कॉस 2θ, ठीक है, डिवाइड बाय रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं, तो पी कितना आ गया
पी कितना आ गया, पी आ गया नेगेटिव होता नहीं, तो के कॉस टू थीटा ये तो वन होता है, वन है, तो पी स्क्वायर कितना हो गया, वो जाएगा के स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा, ये आपका पी स्क्वायर निकल के आ चुका है। तो हमने पी स्क्वायर तो हमने निकाल लिया, ठीक है, तो बाकी सब मिटा रहा हूँ मैं, बाकी सब ये मिटा रहा हूँ, ठीक है, ये मिटा रहा हूँ मैं। चलो अब दूसरी की बात करते हैं। अब जो ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्स sec थीटा प्लस में वाई cos थीटा इक्वल टू के, माइनस के इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। अब की बार बात करें, ए कितना है sec थीटा, बी कितना है cos थीटा, ठीक है, और सी कितना है माइनस का के, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना आपके पास, पी ना देखे क्यों दे रखा है, तो क्यू बताओ कितना होगा, तो क्यू इक्वल कितना हो जाएगा अपने पास, मोड ऑफ ए एक्स वन, ए कितना sec थीटा इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा, और फिर cos थीटा इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा, माइनस के अपॉन पे रूट पे sec स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, sec स्क्वायर थीटा प्लस में, ठीक है, ठीक है, तो क्यू कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा अपने पास के अपॉन पे क्यू स्क्वायर निकाल दो डायरेक्ट, क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, के का स्क्वायर अपॉन पे सेक स्क्वायर थीटा प्लस में, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, के स्क्वायर अपॉन पे वन अपॉन पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस से वन अपॉन पे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्लियर यहाँ तक, करो क्रॉस करो, क्यू से कितना आ गया अपने पास, ये आ गया अपना के स्क्वायर अपॉन पे साइन स्क्वायर थीटा इंटू पर प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और जो मल्टीप्लाई वो ऊपर चला गया इंटू पर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू पर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्लियर यहाँ तक, ये नीचे तो वन हो गया, ये मिटा ऊपर का, ठीक है। नीचे वन हो गया, तो क्यू स्क्वायर कितना आ गया, क्यू स्क्वायर आ गया तुम्हारे पास के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू पर थीटा, ठीक है, अपॉन पे वन, नीचे वन, ये आपका क्यू स्क्वायर निकल के आ गया, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर क्या कर रहा है, फोर से मल्टीप्लाई करना है, फोर क्यू की स्क्वायर, तो फोर क्यू स्क्वायर कितना आ गया अपने पास, वो आ जाएगा अपने पास टू साइन थीटा इंटू पर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, मान सकता हूं मैं, बोलो ये साइन टू थीटा होता है, तो फोर क्यू से कितना आ गया साइन टू थी साइन स्क्वायर टू थीटा और के स्क्वायर निकल के आ गया। अरे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर है साथ में लिख लिया, टू का स्क्वायर बाई फोर से लगाना है, फोर भी आएगा ना, फोर जब टू का स्क्वायर बोल दिया मैंने उसको, ठीक है। अब सबको मिटा रहा हूं मैं, सबको मिटा रहा हूं, अब आ जाओ फाइनल पे, एलएचएस में आ जाओ, क्या पी स्क्वायर प्लस है फोर क्यू स्क्वायर कितना आ गया, बोलो या के स्क्वायर के स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस में के स्क्वायर साइन स्क्वायर टू थीटा, तो एक काम करो के स्क्वायर कॉमन कर लो, तो कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस में साइन स्क्वायर टू थीटा, ये वन हो गया, तो कितना आ गया बराबर के स्क्वायर निकल के आ गया, तो पी स्क्वायर प्लस में फोर क्यू स्क्वायर जो है आपका के स्क्वायर ही निकल के आ जाएगा, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन 17, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, आई थिंक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, इन अ ट्रायंगल ऑफ इन अ ट्रायंगल एबीसी विद वर्टेक्स दे रखा है इतना, फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए, ओके चलो, तो चलो ठीक है, आई होप आपने काफी एंजॉय किया सेशन को, ए बी और सी 2.3 4, -1 ठीक है और 1.2 ठीक है, यहां से जो परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, ए से खींच रहे ना वर्टेक्स है, ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट को डी मान लेते हैं, तो हमें इसके इसका
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेंथ एंड अल्टीट्यूड, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, ठीक है, तो इसकी लंबाई हमें AD की लंबाई निकालने कितनी होगी और AD की क्वेश्चन, इसकी क्वेश्चन कैसे निकालोगे? अब इसकी क्वेश्चन निकालने का तरीका है, एक पासिंग पॉइंट चाहिए दे रखा है और इसका स्लोप चाहिए, तो स्लोप हम निकाल सकते हैं। इसके स्लोप को मान लो मैं M1 बोल रहा हूँ, इसके स्लोप को मैं M2 बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं पता M1 कितना निकलेगा, M1 आ गया 2+1/1 - 4 इक्वल टू 3/-1 आ गया, ठीक है, तो M1 इंटू M2 जो है आपका वो माइनस का 1 होता है, M1 कितना है हमें माइनस का 1 इंटू M2 जो है आपका माइनस का 1 हो गया, तो खत्म, M2 जो है आपका स्लोप, तो M2 जो है आपका 1 निकल के, स्लोप तो हमारा 1 निकल के आ गया, ठीक है, अब स्लोप पता, पासिंग पॉइंट पता है, तो इक्वेशन निकल जाएगी इसकी, इसकी इक्वेशन निकल जाएगी, हाँ या ना बोलो, इसकी इक्वेशन निकाल सकता हूँ मैं, बिल्कुल निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा, y-y1 इज इक्वल टू m इंटू पर x-x1, ठीक है, तो y-y1 पासिंग पॉइंट दे रखा 3 ये रहा, स्लोप कितना निकला 1 इंटू x-x1, x1 कितना है आपका 2 दे रखा है, तो y-3 इज इक्वल टू x-2, तो x-y-2+3 इज इक्वल टू 0, तो देखा x-y+1 इज इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन निकल के आ जाएगा, x-y+1=0, एक काम करते हैं पहले चेक कर लेते हैं इक्वेशन सही है कि नहीं है, ठीक है, -x+y, ठीक है इक्वेशन, ठीक है, ठीक है इक्वेशन, ठीक है, अब लेंथ निकालनी है, लेंथ कैसे निकालोगे, अब लेंथ निकालनी है ना, तो इस पॉइंट से, ठीक है, अच्छा लेंथ निकालनी है, तो इस पॉइंट से यहां तक की लंबाई निकालनी है, ये निकालना है ना, तो पॉइंट से इस लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, अगर मान लो क्या है, पॉइंट से अगर इस लाइन की अगर मुझे इक्वेशन दे रखी होती, इस लाइन की इक्वेशन दे रखी होगी, तो मेरा काम बनेगा नहीं बनेगा बोलो, तो मैं क्या करूं, पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस निकाल दूंगा, वही आगे डिस्टेंस आपका AD, तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे सबसे पहले BC की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, तो इक्वेशन ऑफ BC लिखनी पड़ेगी मुझे, कैसा आएगा बताओ, तो y-y0+1 हो गया इज इक्वल टू, स्लोप कितना था इसका -1, x-x1, 4, ठीक है, तो y+1 इज इक्वल टू -x+4 निकल के आ गया, तो x+y+1-4=0 आ जाएगा, तो x+y-3=0, तो ये आपका इस लाइन का इक्वेशन आ गया, ठीक है, तो a कितना हो गया 1 हो गया, b कितना हो गया 1 हो गया, और c कितना हो गया -3 निकल के आ गया, ठीक है, अब पॉइंट क्या, कहाँ से निकालना, डिस्टेंस 2, 3 से निकालना है, तो ये आपका x1, y1 आ गया, ठीक है, आपका x1, y1, अब निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, पॉइंट से वहाँ तक का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो d जो है आपका आता है a(x1+b)y1, ठीक है, और प्लस में c/√a² + b², ऐसा निकालते हैं डिस्टेंस, ठीक है, तो डिस्टेंस आपका कितना आ गया ax1, तो x1 2 आ गया, by1 3 आ गया, माइनस में c/√a² + b², तो 1² + b² तो रूट, ये 2 आएगा, ठीक है, मॉड है ना, तो c कहाँ से आ गए, c कितना है -3 है, ठीक है, तो d कितना आ गया, ये खत्म हो गया, तो 2/√2, तो d जो आपका √2 आ गया, तो जो AD डिस्टेंस है वो √2 निकल के आएगा, तो डिस्टेंस भी चेक कर लेता हूँ एक बार मैं, बिल्कुल सही है। नाउ आई थिंक लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या कह रहा है, यस लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इफ p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस आर गिवन, ओहो नकली क्वेश्चन, नकली माल, चलो सुनो ध्यान से, ठीक है क्वेश्चन ध्यान सुनना, अब एक ही डिस्टेंस दे रखा है, इफ पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये 0,0 दे रखा है ओरिजिन, इंटरसेप्ट दिया हुआ है 0,0, 0,a, ठीक है, क्लियर यहां तक, ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, नहीं 0,a नहीं है, तो 0,b है ये, ठीक है, सुनना ध्यान से, अब ये p दे रखा है, ये प्रूफ करना है,
तो पी को भी लेना है, यहाँ पर पी भी आया है, पी भी आया का मतलब क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा हुआ, क्योंकि भाई डिस्टेंस तेरे का पी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला करने का यूज किया होगा। तो एक पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस निकाला होगा, ठीक है। तो पासिंग पॉइंट तो पता है x1 कॉमा y1, बस मुझे क्या है इस लाइन की इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन पता है हम लोग को क्या होती है, x अपॉन पे a प्लस y अपॉन b माइनस वन इक्वल जीरो, यही होती है इक्वेशन। तो कैपिटल a कितना आ गया, वन अपॉन a, कैपिटल b कितना आ गया, वन अपॉन b, और c कितना आ गया, माइनस का वन निकल के आ गया, ठीक है। तक डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है a x1 प्लस में b y1 प्लस में c अपॉन पे रूट पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है भैया। निकाल दो ओरिजिन डिस्टेंस, तो डिस्टेंस p दे रखा है, ए एक्स वन, ए कितना है, माइ वन अपॉन ए इंटू जीरो, जीरो हो गया, प्लस में जीरो माइनस है वन अपॉन पे रूट में ए स्क्वायर, मतलब वन अपॉन पे ए का स्क्वायर प्लस वन अपॉन पे बी का स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव है, ये हो जाएगा, ठीक है। चलो तो पी स्क्वायर कर दो सीधा, स्क्वायर कर दो, पी स्क्वायर कितना आ गया, वन अपॉन पे मोड़ का जनरेट खत्म, तो वन अपॉन पे ए स्क्वायर प्लस में वन अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ लगे जाओ, तो पी स्क्वायर मल्टीप्लाई वन अपॉन पे ए स्क्वायर प्लस में वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन आ गया, है ना। तो इसको भेज दो उधर, वन अपॉन पे ए स्क्वायर प्लस में वन अपॉन बी स्क्वायर कितना आ गया, वन अपॉन पे पी स्क्वायर, और ये हो गया आपका हैंड्स प्रूफ, ये हो गया आपका हैंड्स प्रूफ। तो बहुत ही आसान है चैप्टर, बहुत ही आसान है एक्सरसाइज, आई होप जिस क्वेश्चन के लिए आप इस चैनल पे आए थे वो आपको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा, कोई भी ऐसा नहीं रहा होगा जहां पर आपको लगा कि रटना पड़ेगा, सारा कॉन्सेप्ट मैंने डिटेल यहां पर आपको बताया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ मुझे बच्चे कमेंट करना, बहुत कम बच्चे कमेंट कर, तीन चार बच्चों कमेंट आता कि सर ये हो गया दूसरा डाल दो, अगर तुम जब कम से 50 कमेंट करोगे सर हो गया नेक्स्ट डाल दो, तो लगेगा सबने कर लिया, अब कमेंट ही नहीं करते, देख लिया फ्री पड़े हुए कुछ नहीं कर रहे, तो मुझे पता चला कि नेक्स्ट डालना है, तो करना कि सर हमने देख लिया है, मिस लेने की वीडियो डाल दीजिए आप जो है जल्दी से जल्दी, और कम से 50 कमेंट आएंगे, 50 कमेंट आते ही मैं नेक्स्ट डे ही अपलोड कर दूंगा, मान लो जिस दिन 50 कमेंट आ गए मैं नेक्स्ट डे वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो मिस लेने की एक्सरसाइज जो नेक्स्ट डे अपलोड हो जाएगा अगर 50 कमेंट आते हैं तो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अगर चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सारे फ्रेंड में जरूर शेयर कर देना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हरे कृष्णा।